हेलो एवरीवन वेलकम बैक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर पांचवा चैप्टर है आपका इस पूरे सीरीज़ में और सेकंड सेक्शन का आखिरी चैप्टर काफ़ी अच्छा वेटेज इंस्टीट्यूट ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर को दिया है तो हल्के में लेना और छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके नाइन्टी है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड है तो ज़्यादा ध्यान हमारा फॉर्मूलाज़ पर रहेगा ध्यान देना फार्मूला को समझने पर रहेगा और उसके बाद में हर क्वेश्चन फार्मूला तक कैसे लगाना है क्यों लगाना है और क्या दिमाग से वहाँ तक आना चाहिए ये ज़रूर समझाऊंगा मैं लेकिन फार्मूला में जहाँ पे सिर्फ फिगर्स रख के आंसर निकालने की बात आती है यानी कि सिर्फ कैलकुलेटर का जब काम होगा वहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ मैंने और टाइम स्पेंड करना चाहिए वो चीज़ प्योरली प्रैक्टिस की है जब तक आप अपना हाथ चला के नहीं देखोगे तब तक आप सीखोगे ही नहीं वो चीज़ को ठीक है सो एक इमेजिनेशन मतलब इमेजिन योर सेल्फ वॉचिंग द वीडियोज़ ऑफ हाउ टू ड्राइव ऑन यूट्यूब यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हो कि कार कैसे चलाते हैं और घंटों तक देखे जा रहे हो तो क्या आपको लगता है कि जब आप कार पकड़ोगे तो आप को कार चलाना आ जाएगी <coughs> नहीं वैसे ही होता है सर कोई भी लर्निंग वीडियो देखने का तो जब तक आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कोई मतलब नहीं है वो चीज़ देख के वीडियोज़ देख के ठीक है तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिए आप जो ये क्लास कर रहे हो ये सिर्फ आपकी प्रिपरेशन का ट्वेंटी फाइव परसेंट हिस्सा कवर करती है सर सेवेंटी फाइव परसेंट आपकी पेन और कॉपी पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं है। तो मैंने आपको एक क्लैरिटी दे दी यहाँ पर कई सारे फॉर्मूलाज हम देखेंगे इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर जो है उसका जो एक बेसिक्स होता है हम रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के पहले ही देख चुके हैं अगर आपको याद होगा तो एक सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना रिस्क निकालना देखा था पोर्टफोलियो जिसमें दो सिक्योर दे दो असेट्स होते हैं उसका रिटर्न और रिस्क निकालना भी हमने देखा था हमने देखा था कि कोरिलेशन रिलेशन क्या होता है लेकिन हमने उसका डेरीवेशन नहीं देखा था वो अब यहाँ से हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से देखना शुरू करेंगे ठीक है सर एक तो एक आइडिया आ गया उसके बाद चैप्टर शुरू करने के पहले रिवीज़न लेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या फार्मूलेज पढ़े और जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो एक और मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ईजी है मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो स्टार्टिंग में, में मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी और आखिरी आखिरी में जैसे आखिरी के जो तीस चालीस पचास क्वेश्चन रहेंगे चालीस क्वेश्चन आई थिंक उसमें हम काफ़ी अच्छा टाइम देंगे समझने में तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लग सकता है कि फास्ट जा रहे हैं क्योंकि बहुत आसान आसान भी क्वेश्चन रहेंगे फॉर्मूला रखो आंसर निकालो वहाँ से हम स्किप कर जाएंगे जल्दी जल्दी तो स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी होगा और आखिरी में हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे तो जहाँ ज़रूरत है आपको समझने की वैल्यू एडिशन की वहाँ मैं पूरा टाइम दूंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे सर कुछ भी नहीं छूटेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन शुरू करने के पहले अभी हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया इसके लिए फॉर्मूला बुक आपके सबसे ज्यादा काम आएगी देखो अगर आपको रिवीजन नहीं करना तो आप तकरीबन अगले पंद्रह से बीस मिनट स्किप कर सकते हैं सबसे पहली चीज़ हमने जो सीखी थी सर जब हमने क्लासेस शुरू करी थी वो थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं अगर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट आपका पर ईयर है तो टाइम भी आपका ईयर में होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट छः महीने का है तो आपका टाइम भी छः छः महीने के होने चाहिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, आपका हर दिन का है तो टाइम भी आपके डेज में होने चाहिए ये कोई नहीं बताता फॉर्मूला तो रटवा देगा कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला देख लो जब साल में एक से ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होती है तो एनुअल जो कंपाउंड अमाउंट आपको आखिरी में मिलनी है दैट इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल की अमाउंट इन ब्रैकेट वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ये जो न्यूमरेटर में है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एक साल में कितनी कंपाउंडिंग होती है टू द पावर एन टी अगर दो बार कंपाउंडिंग हो रही है और दो साल का निकालना है तो चार पीरियड होते हैं टू इंटू टू ठीक है सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो इफेक्टिवली आप कितना कमाते हो वन प्लस आर साल भर का रेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ईयर टू द पावर कंपाउंडिंग कितनी हो रही है माइनस वन करते ही आपका कंपाउंडेड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कोई नया फार्मूला नहीं है ये फार्मूला आया है सेकेंड वाले फॉर्मूले से ही अगर आप ए की जगह फ्यूचर वैल्यू रख दो और पी की जगह आप प्रेजेंट वैल्यू रख दो तो भी आपका ये सेम ही फार्मूला बनता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट वन प्लस आर बाय एन टू द पावर एन टी ठीक है अब आप ये जो वन प्लस आर बाय एन टू द पावर एन टी है उसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोल सकते हो उसी को इन्वर्स कर दोगे वन से डिवाइड कर दोगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बन जाता है सो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज नथिंग बट द इन्वर्स ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किसी भी चीज की तो फ्यूचर कैश फ्लोज लो और उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस आर और इक्वल टू इक्वल टू द बाते जाते हो तो आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आते जाते हैं उसके बाद हमने देखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी को जहाँ पे भी एक कैश लोज दस साल तक रिपीट हो रही है या कुछ नंबर ऑफ़ ईयर्स तक कंटिन्यूसली सेम कैश कैशलोज रिपीट हो रही है तो बार बार लेने के बजाय हम एक ही बार एन्यूटी लेते हैं वो फिगर लेते हैं और उसके बाद उन हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टोटल करके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है एन्यूटी की ये एक शॉर्टकट तरीका होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का उसके बाद हमने देखा सर परपेचुटी का जहाँ पे साल मतलब कोई लिमिट नहीं होती उस इंस्ट्रूमेंट की जैसे इक्विटी की वैल्यू निकालनी है प्रेफरेंस की निकालनी है बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है और लाइफ नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ की परपेचुअल लाइफ है तो यहाँ पे हम पीरियॉडिक कैश फ्लोज यानी कि अगले साल की कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं ध्यान देना अगर इक्विटी की वैल्यू निकालनी निकाल है तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आता है प्रेफरेंस की वैल्यू निकालनी है तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आता है बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है तो डिनोमिनेटर में वाई आता है न्यूमरेटर में आता है रिटर्न जो उस इंस्ट्रूमेंट से मिलता है अगर इक्विटी की वैल्यू निकालनी है तो न्यूमेरेटर में आएगा इक्विटी डिविडेंड प्रेफरेंस की वैल्यू निकालनी है तो न्यूमरेटर में आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड अगर बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है तो न्यूमरेटर में आएगा इंटरेस्ट ठीक है तो बहुत सिंपल सी बात है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका रिटर्न न्यूमेरेटर में होना उसकी कॉस्ट डिनोमिनेटर में होना ये हो गया हमारा उसके बाद हमने कुछ बेसिक्स देखे थे डेट इक्विटी रेशो का मतलब क्या होता है सर न्यूमोनेटर में डेट की टोटल वैल्यू ले लोगे इक्विटी में डिनोमिनेटर में इक्विटी की टोटल वैल्यू ले लोगे लेकिन उससे आएगा क्या अगर आपके कंपनी में दो रुपए का डेट है और तीन रुपए का इक्विटी है इसका मतलब टू बाई थ्री लोगे आप टू बाई थ्री यानी कि पॉइंट फोर आता है आपका मतलब हर एक रुपए का जो शेयर होल्डर का पैसा कंपनी में लगा है उसके बदले में डेट वालों का कितना कंपनी में लगा ये आपको पता चलता है सो वो रेशो जितना कम हो उतनी अच्छी बात है क्योंकि बाहर वालों का पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए तो रेशो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो बत तो दो और तीन पांच रुपए है तो डेट टू कैपिटल रेशो आ जाएगा टू बाई फाइव यानी कि टोटल कैपिटल जो डिनोमिनेटर में लिखा उसमें से डेट का हिस्सा कितना तो वो आता है हर एक रुपए में चालीस पैसे तो हमारे डेट के ही है ऐसा ठीक है फिक्स्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो ले लो अब ये फिक्स्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमने लास्ट लेक्चर में ये जो इसके पहले वाला हमने लेक्चर देखा सिक्योरिटी वैल्यूएशन के आखिरी आखिरी में मनी uh, मार्केट शुरू होने के पहले तब हमने ये चीज़ देखी थी कि हम बिफोर टैक्स भी रेशो निकाल सकते हैं आफ्टर टैक्स भी ले, निकाल सकते हैं बट ध्यान देना फिक्स्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब सिर्फ फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं डिविडेंड भी होता है तो डिनोमिनेटर में हम इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों रखते हैं लेकिन न्यूमरेटर में उससे रिलेटेड अर्निंग रखनी पड़ेगी तो अर्निंग ब... बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एक ऐसी अमाउंट होती है जिसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट और प्रेफरेंस का पेमेंट दोनों होता है लेकिन ये बिफोर टैक्स फिगर है बहुत बार आफ्टर टैक्स लिए जाती है और आफ्टर टैक्स अगर लेना है तो बहुत सिंपल सर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में इंटरेस्ट को ऐड कर दो क्योंकि माइनस हो चुका था जब आपने अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाली थी न्यूमरेटर में हमेशा वो अर्निंग होना जिसमें से डिनोमिनेटर की एक भी फिगर माइनस नहीं हुई हो ई अगर ले रहे हो तो इंटरेस्ट माइनस हो चुका था इसलिए वापस आप इंटरेस्ट ऐड कर रहे हो अगर कोई ऐसी फिगर ले रहे हो जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस हो चुका था तो वापस प्रेफरेंस डिविडेंड आपको ऐड करना पड़ेगा ये रेशो आएगा आफ्टर टैक्स वाला फिक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो फिक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताता है कि आपके पास जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट को ये फिक्स पेमेंट्स को कितनी बार कवर कर सकता है जितना ज़्यादा ये होगा उतनी अच्छी बात होती है सर अगर चार आता है मान लो यानी कि एक रुपये <clears throat> आपका अगर एक रुपये का फिक्स कब फिक्स पेमेंट आता है तो वो ये बताता है कि आप चार रुपए कमा रहे हो मतलब चार बार आप में कैपेसिटी है कि उस फिक्स पेमेंट को आप कम कवर अप कर सकते हो पे कर सकते हो यानी उसके चार गुना पेमेंट कर सकते हो मार्केट में ठीक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में तो सब कुछ आता है डेट इक्विटी प्रीफरेंस लोन सब कुछ आता है जब कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि डिनोमिनेटर में सब कुछ आ रहा है तो रिटर्न में भी सब कुछ आना चाहिए ना ध्यान देना यहां पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे डिनोमिनेटर में ऊपर में ई बी आई ट वन माइनस टैक्स लोगे क्यों ये भी बता रहा हूँ देखो ये कैपिटल जो ले रहे हो उनका रिटर्न डेटर में आना चाहिए और उनका रिटर्न कौन सा होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसी में से आप डेट वालों को पेमेंट करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट करते हो लोन वालों को पेमेंट करते हो और इक्विटी वालों को भी पेमेंट करते हो लेकिन ध्यान देना कि इस ईबीआईटी में से टैक्स का भी पेमेंट जाता है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूडेड नहीं होते इसलिए उनको हटा दो 1 माइनस टैक्स करके बहुत बढ़िया सर हटा दिया अच्छा करा रिटर्न ऑन इक्विटी तो अगर इक्विटी पर रिटर्न है तो न्यूमरेटर में रिटर्न रख लो और डिनोमिनेटर में इक्विटी रख लो तो न्यूमरेटर में कौन सा रिटर्न रखोगे सर जो इक्विटी को देना बनता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इसमें से दो तरह के डिविडेंड जाते हैं प्रिफ्रेंस और इक्विटी हम अगर इक्विटी का रिटर्न निकाल रहे हैं तो एक प्रिफरेंस का डिविडेंड माइनस करने के बाद का प्रॉफिट लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये तो आपने खैर अभी तक हमने देखा नहीं है ये अपना कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में आ जाएगा बट फिर भी सीए इंटर पे कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट में आप ये देख चुके हो परचेसेस और ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होता है क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में होता है इसलिए वो माइनस हो रहा है उधर में इन तीनों को नेट ऑफ करते हो और एक फिगर अगर आती है तो वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने अमाउंट के कितने कॉस्ट के गुड्स आपने बेच दिए सेल्स अलग होता है और सी अलग होता है सेल्स होता है कि कितनी वैल्यू के गुड्स uh, कितनी सेल्स आपकी हुई है उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होता सर इफेक्टिव टैक्स का रेट अगर निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिनोमिनेटर में लो जिस पे टैक्स लगता है वो डिनोमिनेटर में ऊपर में टैक्स का खर्चा ले लिया ये भी आपका कॉरपोरेट वैल्यूएशन में आएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वे भी ये भी आपको कॉर्पोरेट वैल्यूशन में आएगा लेकिन फिर भी ये इंटर में एफ एम पे कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल नाम के चैप्टर में हो चुका था और करना कुछ नहीं है सर जितना भी कैपिटल है अगर आपका इक्विटी और डेट दो तरह का कैपिटल है और उसका वेटेड एवरेज निकालना है तो बहुत सिंपल वेट को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो अभी हम आपको बताता दो देना इक्विटी की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं डेट की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं लेकिन कॉस्ट ऑफ़ डेट बिफोर टैक्स होता है उसे माइनस वन माइनस टैक्स करके आफ्टर टैक्स कन्वर्ट कर लो सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होता है इसको भी हमने आफ्टर टैक्स कन्वर्ट कर लिया अगर सिंगल सिंगल कॉस्ट निकालनी है कोई बात नहीं लेकिन दोनों के मिला के अगर एक निकालनी है तो हम वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इक्विटी का टोटल में वेट कितना ये यहाँ से निकल जाता है ना डेट टू कैपिटल रेशो और इक्विटी टू कैपिटल रेशो ले लो यहाँ से वेट निकल जाएगा आपका वही तो वेट है और ये वेट को आप यूज़ कर लो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए सिक्योरिटी वैल्यूशन के स्टार्टिंग में आपने देखा था तीन तरह के डिविडेंड होते हैं रेट ईड और पे आउट रेशो रेट जो होता है वो फेस वैल्यू पर लगता लगता है सर ईल्ड जो होता है मार्केट प्राइस पर लगता है पे आउट रेशो जो होता है वो अर्निंग पर शेयर पर लगता है ध्यान देना प्राइस अर्निंग रेशो भी हमने देखा ये बताता है कि यार आप अगर एक रुपये कमा रहे हो तो मार्केट में उसके कितने गुना इस शेयर की प्राइस चल रही है अगर आपका पी रेशो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका मार्केट प्राइस जो है वो अस पचास का है ठीक है और आप का अर्निंग पर शेयर दस रुपये का है इसका मतलब पी रेशो कितने का आएगा पाँच का आएगा इसका मतलब क्या होता है कि एक रुपए की कमाई करने के लिए पहले पाँच रुपए का शेयर आपको खरीदना पड़ेगा पहले पाँच रुपये का शेयर खरीदना पड़ेगा पी रेशो ये बताता है कि कितने गुना मार्केट में प्राइस चल रही है जितना ये ज़्यादा होता है उतनी बुरी बात होती है मैं बता रहा हूँ जितना ज़्यादा होता है उतनी बुरी बात होती है जिसका पी रेशो कम हो वो शेयर आप खरीदो अच्छा है मतलब सस्ते में मिल रहा है 100 बेसिस पॉइंट ये भी हमने देखा कि 100 बेसिस पॉइंट को एक परसेंट बोला जाता है 75 बेसिस पॉइंट को पॉइंट सेवन फाइव परसेंट बोलोगे उसके बाद हमने चालू किया था सर चैप्टर टू रिस्क मैनेजमेंट अब ध्यान देना इसकी शुरुआत हमने करी थी एक नॉर्मल वेरिएबल जी स्कोर निकाल के अगर आपको याद होगा वो क्वेश्चन जिसमें दो करोड़ का मीन था ध्यान देना दो करोड़ का मीन था और उसके बाद में हमको पूछा गया था कि यार एक करोड़ के लॉस से अगर ऊपर चला जाता है कंपनी का लॉस तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ जाएगी हमको निकालना था कि कितने परसेंट चांसेस है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ जाएगी यानी कि कितने परसेंट चांसेस है कि कंपनी का लॉस एक करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो हमने क्या करा न्यूमरेटर में रखा कि भैया दो से माइनस वन तक पॉजिटिव दो से माइनस वन तक पहुंचने के लिए कितने का लॉस सफर करना पड़ेगा माइनस थ्री का टू से जीरो तक दो का लॉस और फिर एक और का लॉस और डिनोमिनेटर में लिया था कि हर स्टेप कितने स्टैंडर्ड एविएशन का है वन करोड़ का हर स्टेप था स्टैंडर्ड एविएशन जो था आपका तो ध्यान देना माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स करा था आपने कि वहाँ तक पहुँचने के लिए वन पॉइंट सिक्स का एक स्टेप लेना पड़ता है तो टोटल स्टेप कितने लेने पड़ेंगे कि वो आंसर आ गया वो हो गया आपका जी स्कोर और उतने स्टेप को आपने अपने जी टेबल में देखा था और पता लगाया था कि यार यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी आती है उसकी जो पूरी लेफ्ट साइड होती है वो हो गया आपका 3.04 परसेंट मतलब एक करोड़ से ज़्यादा का नुकसान वाली प्रोबेबिलिटी वो हो गई यानी कि आपके कंपनी के इतने चांसेस थे फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आने के या एक करोड़ से ज़्यादा नुकसान होने के और उल्टा इतने चांसेस थे फाइनेंशियल डिफिकल्टी में नहीं आने के एक करोड़ से कम नुकसान जिसमें प्रॉफिट भी आ जाता है ठीक है इसी फॉर्मूले को ध्यान देना इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करते थे वार का कैलकुलेशन करने के लिए जहां पे ये एक्स वाली फिगर जो माइनस वन करोड़ हम बोल रहे थे वही होता था वार और अगर वार के लिए यूज कर रहे तो हम जीरो म्यू से चालू कर देते थे तो मीन जो होता था वो जीरो होता था तो, तो अल्टीमेटली फार्मूला क्या बन गया जेड इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन अब ये स्टैंडर्ड एविएशन अगर उधर डाल दोगे तो वार इज इक्वल टू जी स्कोर इंटू स्टैंडर्ड एविएशन तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता था वार इज इक्वल टू जी स्कोर इन स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक है अब आगे देखो अगर वही वार हमें दस दिन के लिए निकालना होता था तो हमें स्टैंडर्ड एविएशन एक दिन का लेके मल्टीप्लाइड बाय अंडर रुड दस दिन लेने पड़ते थे तो जितने दिन का निकालना है उतना अंडर रूड टेन कर लो बट ये जो जी स्कोर और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वन डे उसको वार ऑफ वन डे भी बोलते हैं तो अगर दस दिन का वार निकालना है तो एक दिन का वार इंटू अंडर रुड टेन भी लिया तो भी आंसर आता है दस दिन के स्टैंडर्ड एविएशन को निकालना है और एक दिन का ही दिया है तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है सिर्फ अंडर रूड टी करना है आपको याद है ना ये अंडर रूड टी आपने क्यों करा था याद है वेरियंस स्टैंडर्ड डिशन स्क्वायर जो है मैं आपको बता देता हूँ देखो स्टैंडर्ड डिविशन अगर एक दिन का आपको दिया हुआ है और आपको स्टैंडर्ड डिशन स्क्वायर वेरियंस दस दिन का निकालना है तो आप क्या करोगे एक दिन के स्टैंडर्ड डिशन को दस से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है अब आप यहाँ पे सारा स्क्वायर रूट डाल दो तो ये हो गया स्टैंडर्ड डिविजन टेन गया स्टैंडर्ड डिविजन वन स्क्वायर हट जाएंगे और ये हो गया अंडर रूट टी टाइम ऐसा होता है वेरिएंस पे दस गुना होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविजन में नहीं पोर्टफोलियो वेरिएंस अगर करेंसी में निकालना है हमने ये फार्मूला देखा था अगर करेंसी में निकालते तो वेट नहीं लेते सर फॉर्मूला में ध्यान देना स्टैंडर्ड दो, दो, दो असेट का अगर पोर्टफोलियो बनाया है तो तो ए का स्टैंडर्ड डिवेशन का स्क्वायर बी का स्टैंडर्ड डि का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए का स्टैंडर्डिशन बी का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहां पे हम वेट्स इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि करेंसी में निकाल रहे आंसर तो वेट्स की जरूरत नहीं पड़ती परसेंटेज में निकालते तो वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड स्टेशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी स्टैंडेशन ऑफ ए सैंशन ऑफ बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए बी इतना सारा हमने देखा था अच्छा पोर्टफोलियो वार पे आते हैं सेम वही फॉर्मूला लगेगा अगर वेरिएंस का सॉरी वेरिएंस का पोर्टफोलियो का फॉर्मूला वो है तो पोर्टफोलियो वार का भी वही फॉर्मूला होता है वार ऑफ द पोर्टफोलियो स्क्वायर इज इक्वल टू वार ऑफ ए स्क्वायर प्लस वार ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू इंटू वार ऑफ ए वार ऑफ बी और कोरिलेशन ए बी ठीक है पोर्टफोलियो का वार निकालने के लिए बेसिक फॉर्मुला भी इस्तेमाल कर सकते हो जी स्कोर इन स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ द पोर्टफोलियो सी यहाँ जो है ना वार अगर 10 दिन का है तो स्टैंडर्ड डिशन 10 दिन का चाहिए वार अगर एक दिन का है तो सैन्यशन एक दिन का चाहिए वार अगर पोर्टफोलियो का है तो सैन्यशन भी पोर्टफोलियो का चाहिए ये एक चीज थोड़ा सा समझ लेना इसके साथ हमारा रिस्क मैनेजमेंट खत्म हो गया तो फिर हमने सिक्योरिटी एनालिसिस शुरू करा था उसमें दो तीन फार्मूलेज हमने देखे थे जैसे एप्सूट ब्रेथ इंडेक्स टोटल जितने भी स्टॉक्स हम ट्रेड करते हैं वो डिनोमिनेटर में ले लेते हैं लेट से पचास और उसमें से कितने स्टॉक ऊपर गए तीस माइनस कितने स्टॉक नीचे गए पंद्रह और वो ले लिया और कुछ स्टॉक होते हैं जैसे पांच स्टॉक हमने बोला कि उनमें चेंज ही नहीं आया ना ऊपर गए ना नीचे गए सेम प्राइस पे ही क्लोज हो गए तो वो तो हट ही जाते हैं एब्सोल्यूट ब्रेथ इंडेक्स में से कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो बॉन्ड होते हैं ना बॉन्ड आपने तो पढ़ लिया बॉन्ड क्या होता है बेस्ट ग्रेड बॉन्ड्स का एवरेज रिटर्न निकालो न्यूमरेटर में रखो और जो इंटरमीडिएट बॉन्ड होते हैं बीच के बॉन्ड्स होते हैं जिनका मतलब रेटिंग उतना खास बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं बोल सकते उनका एवरेज वाई ले लो वो डिनोमिनेटर में रख दो तो आपको कॉन्फिडेंस इंडेक्स आ जाएगा कि मार्केट पर आपको कितना कॉन आप कौन कितना कॉन्फिडेंट हो रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस आपको बताता है कि एज कम्पेयर टू इकॉनमी आपका स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग है तो परसेंटेज चेंज इन स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन स्टॉक इंडेक्स ले लो इस, इसी तरह से आप बीटा भी निकालते हो बीटा का भी ऐसे ही होता है अरिथमेटिक फिर हमने मूविंग एवरेज देखा अब आपके स्टॉक के प्राइसेस का अपने अगर सिंपल एवरेज निकालना है तो टोटल कर लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कर लो दस प्राइसेस है तो डिवाइडेड बाय दस कर लो बीस है तो डिवाइडेड बाय बीस कर लो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी ये जो इंडिकेशन देता था कि आगे जाके मार्केट प्राइस क्या जाएगी वो इंडिकेशन ना एक गलत तरीके से आता था क्या गलत तरीका था कि पिछले पचास दिन की प्राइस में हर प्राइस को इतना ही उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया हर प्राइस को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया था वो गलत था अब आप देखो अगर कल जो प्राइस होगी वो आज की प्राइस से ज़्यादा मिलती जुलती रहेगी ना कि पचास दिन पहले की प्राइस से तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि इक्वल वेट दिया गया सारी प्राइसेस को जबकि करंट प्राइसेस को ज़्यादा वेट देना चाहिए था और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने आपको जब तक प्रॉब्लम नहीं पता रहेगी ना तब तक लॉजिक ही नहीं पता चलेगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है अब आपको ये तो समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करंट प्राइसेस को ज़्यादा वेट देता है तो फॉर्मूला देखना आपको अब आप थोड़ा लॉजिकल लगेगा कि करंट प्राइस को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई किया एक प्रोबेबिलिटी से मैक्सिमम सिर्फ एक प्राइस को एक प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया बाकी सारी प्राइसेस जो प्रीवियस ई में आती है उसको वन माइनस एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई किया यानी बीस सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी एक ही प्राइस को दिया और लेट्स बाकी बीस प्राइसेस को तकरीबन अस्सी दे दिया तो क्या बटा सबके हादसे में कुछ भी नहीं तो करंट प्राइस को हमने सबसे ज़्यादा वेट दिया इसका मतलब ये होता है बस फार्मूला बहुत आसान है उसके बाद अगर एक्सपोरेंट क्वेश्चन में नहीं दिया रहा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था रन टेस्ट एनालिसिस में अपन क्या निकालते हैं सर कि जो मार्केट में शेयर की प्राइसेज है वो क्या पास्ट प्राइसेस पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है ठीक है तो उसके लिए हम तीन स्टेप्स फॉलो करते हैं पहले तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ रन कितने होते हैं जहां पे भी प्लस 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 और माइनस साइन आया यानी कि प्राइसेस चेंज हुई वहां एक रन खत्म हो जाता है बढ़ती 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 जाएगी तो रन चलता रहेगा जब तक गिरता नहीं है और गिरता 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 जाएगा तो रन चलता रहेगा जब तक बढ़ता नहीं है तो जहां पर भी डायरेक्शन बदलती है वहाँ एक रन खत्म हो जाता है ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ रन निकाले आठ आया था आपका एक क्वेश्चन था याद होगा तो फिर पॉजिटिव प्राइस चेंजेस हमने निकाले थे ग्यारह आए थे फिर नंबर ऑफ नेगेटिव प्राइस चेंजेस निकाले थे उसमें भी आठ या नौ आया था ठीक है सर ये तीन का इस्तेमाल करके आप स्टेप फोर और फाइव निकालोगे मीन और स्टैंडर्ड एविएन ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा उसके बाद में छठवा और सातवा स्टेप मीन और स्टैंडर्ड एविएशन को आप यूज़ करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालोगे म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड एवेशन म्यू प्लस टी इंटू स्टैंडर्डेशन टी की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी आपको ठीक है सर अब क्या होगा कि जो पहला आंसर था नंबर ऑफ रन अगर ये छठवें और सातवें लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आया तो आप बोलोगे कि करंट प्राइसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट प्राइसेस हैंस मार्केट इज वीकली इफिशियंट बहुत अच्छी बात है आज की प्राइसेस कल की प्राइसेस पे डिपेंड नहीं करती लेकिन अगर ये नंबर जो है इन दोनों के लिमिट में नहीं फंसा बाहर आया तो आप क्या बोलोगे कि करंट प्राइसेस आर डिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस प्राइसेस यानी आज की प्राइस कल की प्राइस पे डिपेंड करती है मार्केट तो इनइफिशियंट है मज़ेदार नहीं है मार्केट कोई ट्रेड करेगा नहीं एक टाइम के बाद ठीक है इसके बाद हमने सिक्योरिटी वैल्यूशन चालू किया था सर ध्यान देना सिक्योरिटी वैल्यूशन में क्या है एक्चुअल मार्केट प्राइस हमने ये प्राइसेस देखा था काफ़ी सारे फॉर्मुलेज है अब हम क्या हम क्या कर रहे थे सिक्योरिटीज़ की वैल्यू को निकाल रहे थे क्यों वैल्यू निकाल रहे थे क्योंकि हमें पता करना था कि क्या हम शेयर खरीदें या बेचें मार्केट में हमें कोई चीज़ सौ रुपये की मिल रही है तो उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्राइस हम निकालते थे थेरोटिकल मार्केट प्राइस से अब मान लो सौ रुपये है और सत्तर होनी चाहिए तो ये तो ओवर वैल्यूड है सत्तर ही होनी चाहिए थी सौ है तीस रुपये महंगी है तो हम क्या बोलते हैं ओवर वैल्यूड है सर खरीदो मत बेच दो लेकिन अगर सौ रुपये है और सौ रुपये ही होनी चाहिए तो ठीक है करेक्टली प्राइस है होल्ड करके रखो लेकिन अगर सौ रुपये है और थेरोटिकली एक सौ बीस होनी चाहिए थी तब तो सस्ता मिल रहा है मार्केट में अंडर वैल्यू डे खरीद लो ये जो थेरोटिकल मार्केट प्राइस हम निकाल रहे हैं ना ये निकालने की कई सारी थेरीज होती है एक थेरी थी वॉल्टर्स मॉडल वॉल्टर्स मॉडल भी परपेचुटी के फार्मूला पर डिपेंड करता है इसलिए बेसिक्स जो टाइम वैल्यू के है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर पर परपेचुटी ये जो प्राइस आप निकालते हो इसमें क्या है? आता है न्यूमरेटर में अर्निंग पर शेयर आता है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्विटी की प्राइस निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा और जो न्यूमरेटर में अर्निंग पर शेयर है उसके दो हिस्से हो जाते हैं डिविडेंड और रिटेंशन रिटेंशन वाला पार्ट भी उससे एडजस्ट होता है जो कंपनी एक्स्ट्रा कमा के आपको दे रही है आर डिवाइडेड बाई के ठीक है उसके बाद हमने देखा था सर ऑप्टिमम डिविडें पेआउट रेशो ध्यान देना आर का मतलब होता है कंपनी कितना कमा रही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर कितना कमाता है अगर कंपनी ज्यादा कमा रही है शेयर होल्ड से तो शेयर होल्डर बोलेंगे भाई आप ही पैसा रखो डिविडेंड कुछ भी मत बांटो क्योंकि हम तो कम कमाते हैं आप ही रखो अपने पास में आप हमको ज्यादा कमा के दोगे तो ऑप्टिमम डिविडेंड पेआउट रेशो जीरो हो जाता है वो बोलता है डिविडेंड बिल्कुल भी मत बांटो जीरो हो गया और ऐसे केस पे मार्केट प्राइस हाइएस्ट होती है अगर कंपनी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो फॉलो कर रही है तो बट अगर आर कम है यानी कंपनी कम कमा रही है हम ज़्यादा कमा सकते तो हम क्या चाहेंगे कंपनी सारा का सारा हमें ही दे दे आपके बस की बात नहीं है भाई हमें ही दे दो हम ही कमा लेंगे और 100% परसेंट डिविडेंट पे आउट रेशो आता है ऐसे कैस में और कंपनी अगर वो फॉलो करती है तो मार्केट प्राइस हाइस्ट होती इसका मतलब क्या मार्केट प्राइस कब हाइस्ट होती है जब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिविडेंड का पेमेंट होता है जीरो हो या हंड्रेड हो बट उस टाइम पर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है वो ज़्यादा मैटर करती है अगर ये दोनों सेम है तो फिर तो डिविडेंड बांटो नहीं बांटो कितना भी बांटो मार्केट प्राइस में कोई चेंज नहीं आता <coughs> हमने बाद में डिविडेंड बेस्ड मॉडल भी देखा था जिसमें एक बहुत ही गॉर्डन मॉडल जिसको हम बोलते थे जिसमें एक बहुत ही सिंपल सा मॉडल था कि यार जो पर मार्केट की प्राइस निकाल रहे थे वॉल्टर के हिसाब से उसमें अर्निंग पर शेयर ले रहे थे न्यूमरेटर में वो गलत है डिविडेंड लो सिर्फ क्योंकि इन्वेस्टर को सिर्फ डिविडेंड मिलता है तो हमने फिर फॉर्मुला को बदला पी जीरो इज एककल टू डी वन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये चीज़ का ध्यान देना अगर आज की प्राइस निकाल रहे हो तो कैश फ्लो कल की होनी चाहिए ठीक है और अगर कल की कैशलो न्यूमरेटर में ले रहे हो तो वो उस दिन की प्राइस नहीं निकलती वो उसके एक साल पीछे की प्राइस निकलती है पी जीरो सो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर परपेचुटी है तो लेकिन एक ही साल में अगर आपने शेयर खरीद के क्लोज कर दिया तो एक साल में लिया हुआ डिविडेंड और एक साल में बेची हुई मार्केट प्राइस दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो आपका प्राइस आ जाएगा अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्या पता है आज अगर शेयर की प्राइस प्रिफरेंट शेयर की प्राइस इक्विटी की प्राइस है बॉन्ड की प्राइस भी निकालनी होगी तो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है फ्यूचर में मिलने वाले सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो अगर आप वो निकाल लेते तो वो समझ जाता तो आपको फॉर्मूला हर बार बनाना आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके बाद में ध्यान देना सर कॉन्स्टेंट परपेचुअल ग्रोथ मॉडल अभी ग्रोथ ऐड कर दिया हमने अच्छा क्या होता है इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है शेयर होल्डर दो चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कंपनी से कि एक डिविडेंड भी हमको मिले और उसके बाद जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो कैपिटल भी अप्रीशिएट हो उस कैपिटल अप्रिशिएशन को हम ग्रोथ बोलते हैं और ठीक है और जो डिविडेंड ईल्ड होती है उसको क्या डिविडेंड जितना मिल रहा है हमको और हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया ये हो गया डिविडेंड का रिटर्न उसे बोलते हैं डिविडेंड ईल्ड तो डिविडेंड का रिटर्न ये हो गया कैपिटल अप्रिशिएशन वो हो गया तो ये हो गया आपका मार्केट कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ अभी आप मार्केट uh, प्राइस को इधर लाके कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इधर डालोगे तो फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ अगर डी वन भी नहीं दी हुई है तो आप डी वन निकाल सकते हो डी जीरो को वन प्लस ग्रोथ से मल्टीप्लाई करके ये तो हो गया जब ग्रोथ ग्रोथ हो रही है लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ अभी तो हमने कोई क्वेश्चन देखा नहीं लिया अगर डिक्लाइनिंग ग्रोथ रही तो क्या करोगे मतलब पहले साल दो रुपये का डिविडेंड फिर एक रुपये अस्सी का डिविडेंड फिर एक रुपये साठ का डिविडेंड डिविडेंड गिरता जा रहा है ऐसे टाइम पे आपका इसी फार्मूले में ग्रोथ जो है वो फिगर साइन चेंज हो जाएगा डी ज़ीरो इंटू वन माइनस जी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस जी अगर ग्रोथ कम होती जा रही है तो डिक्लाइनिंग फेज़ में है तो ये देखो यहाँ पे फार्मूला कांस्टेंट परपेचुअल गॉर्डेंस डिक्लाइनिंग मॉडल डिक्लाइनिंग मॉडल में देखोगे वन माइनस जी हुआ है न्यूमरेटर में और यहाँ पे प्लस जी है डिनोमिनेटर में ठीक है वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं बहुत कम चांसेस है टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एक स्टेज होता था जहाँ पे हाई ग्रोथ रेट होती थी उसके बाद परपेचुटी चलती थी तो उन सब की प्रेजेंट वैल्यू ले लो कहानी खत्म ये थ्री स्टेज फोर स्टेज में भी काम आता है एच मॉडल आपने देखा एच मॉडल एच मॉडल क्या बोलता था सर कि आ, दो तरह के ग्रोथ रेट होती है एक तो हाई ग्रोथ फेज चलता है एक तो स्टेबल ग्रोथ फेज चलता है तो हमने पूरे वैल्यूएशन को इस तरह से बांट देना है डिनोमिनेटर में दोनों जगह देखना कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी एन ले रहे हो एन मतलब नॉर्मल या स्टेबल ग्रोथ रेट जो लॉन्ग रन तक चलना है चलना है चरना नहीं होता चलना है डी जीरो इंटू वन प्लस जी एन जो स्टेबल ग्रोथ रेट है छोटा ग्रोथ रेट या वह एक हाई ग्रोथ फेज के बाद का उसके बाद प्लस डी जीरो वापस लिया हाफ ऑफ द हाई ग्रोथ पीरियड जितना भी पाँच साल का हाई ग्रोथ पीरियड होगा तो ढाई साल ले लोगे आप हाफ जीसी यानी कि करंट ग्रोथ रेट या हाई ग्रोथ रेट जो चल रहा है माइनस स्टेबल ग्रोथ रेट यानी कि नॉर्मल ग्रोथ रेट बस ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एक हाथ क्वेश्चन है इस पर अर्निंग बेस्ड मॉडल में क्या होता है बहुत सिंपल सी बात है पी जीरोज इक्वल टू ईपीएस इन ब्रैकेट वन माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी आर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अर्निंग पर शेयर वन माइनस बी बी यानी रिटेंशन रेशो वन माइनस बी यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो और जब ईपीएस को डीपीआर से मल्टीप्लाई करोगे अर्निंग पर शेयर को डिविडेंड पर शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या डी वन ही आएगा तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर क्या हुआ घूम फिर के डी वन ही तो हुआ और नीचे में बी आर का क्या मतलब होता है सर रिटर्न रिटेंशन रेशो इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है ग्रोथ का फॉर्मुला अब पी मल्टीप्लायर तो आपको समझ गया था अब आते हैं सर एंटरप्राइज वैल्यू पे आपको पता है एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है मार्केट वैल्यू जो इक्विटी की होती है ना जिससे आप कंपनी खरीदते हैं वो आपको करेक्ट पिक्चर नहीं बताती कि आपको कितना खर्चा लग रहा है पूरे कंपनी में उसके बाद इक्विटी के बाद में आपको डेट का भी पैसा चुकाना पड़ता है प्रिफरेंस का भी चुकाना पड़ता है तो ये सारी लाइबिलिटीज़ को ऐड कर दो मार्केट वैल्यू ऑफ़ इक्विटी में और कंपनी खरीदते ही जो बैंक बैलेंस हमारे हाथ में आ रहा है उसको माइनस कर दो क्योंकि वो तो पैसा वापस आ गया तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारा एडजस्टमेंट करके एक एंटरप्राइज वैल्यू निकलती है जो आपको करेक्ट पिक्चर बताती है कि आपके एक्विजिशन की आपकी कंपनी परचेस करने की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है इक्विटी नहीं बताती एक्चुअल में अच्छा कुछ मल्टीप्लायर भी निकले जैसे पी ई रेशो होता है वैसे यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिट्टा मल्टीपल होता है एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स मल्टीपल होता है अब ध्यान देना ये मतलब क्या होता है ये मल्टीपल का इबिट्टा क्या होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन को माइनस करने के पहले की अर्निंग इंटरेस्ट और टैक्सेशन को भी माइनस करने के पहले की अर्निंग यानी कि एक तरह से कैश आइटम हो गया कैश अर्निंग कि कितना कमाया और इंटरप्राइज़ वैल्यू इतनी लेट्स फॉर एग्जाम्पल इंटरप्राइज़ की वैल्यू पाँच सौ है और इबिट्टा आपका पचास है तो आंसर आएगा पाँच सौ बाई पचास दस इसका मतलब होता है कि एक रुपये का इबिट्टा कमाने के लिए आपको पचास रुपये सॉरी दस रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा इस कंपनी में दस रुपये सो so, जितना ज्यादा होता है उतना बुरी बात होती है मल्टीपल तो पीई रेशो या ये वाला मल्टीपल हो लेकिन पता है अभी आपको बताता हूँ स्टार्टअप्स जो होते हैं ना स्टार्टअप्स का स्टार्टिंग के कुछ जो ईयर्स होते हैं वो लॉस में जाते हैं तो उनका तो इबिटा निकलेगा ही नहीं हर बार माइनस में आएगा ये चीज ये माइनस अगर आपने लिख दिया यहां पर तो पूरा फाइनल मल्टीपल भी माइनस में आ जाएगा तो वो तो हो जाएगी गलत बात तो ऐसे टाइम पर ये वाला मल्टीपल उन स्टार्टअप्स के लिए काम का बिल्कुल भी नहीं है स्टार्टअप्स के लिए काम आता है वो है ये वाला मल्टीपल जहां पर सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपने देखा होगा स्टार्टअप्स में सबसे पहले तवज्जो प्रॉफिट को नहीं सेल्स को दी जाती है कि टर्न बढ़ाओ टर्न बढ़ाओ टर्न बढ़ाओ प्रॉफिट में तो बाद में आ जाएंगे तो ऐसे केस में एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाई सेल्स कर लो कि एक रुपए के सेल्स के लिए कंपनी की वैल्यू कितनी है अगर 500 सौ बाई सौ करते हो तो पाँच रुपए की कंपनी है अगर पाँच रुपये आप डालते हो तो हर साल का टर्नओवर ओवर एक रुपए हो गया आपका इस तरह मतलब यह होता है फ्री कैश फ्लोज टू फॉर्म फॉर्म में क्या क्या आता है सर इक्विटी प्रिफरेंस डेट लोन वाले सब कुछ आता है जब आप इन लोगों के लिए कैश फ्लोज निकाल रहे हो तो ध्यान देना प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए ऐसा जहां से इन लोगों की शुरुआत होती है पेमेंट करने की तो वो होता है ई बिट ई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें से गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है बट वो तो गवर्नमेंट तो इस फॉर्म में इंक्लूडेड नहीं है तो गवर्नमेंट का टैक्स हटा दो इबिट माइनस इबिट इंटू वन माइनस टैक्स कर दो वहाँ से सब शुरुआत करोगे और फिर देखना असली जो बात होती है वो यहाँ से होती है इबिट वन माइनस टैक्स अब क्या होता है आप तो कैश फ्लो निकाल रहे हो कैश फ्लो निकाल रहे हो तो जो भी ऐसे आइटम थे जो नॉन कैश वाले थे वो बैक कर दो इबिट में से तो माइनस हो चुके थे इसलिए वापस एडबैक कर दो ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट उसके बाद ये कैश फ्लोस तो आ गया आपका लेकिन फ्री नहीं हुए ये कैश फ्लोस क्योंकि अभी भी हमारी बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट बाकी है तो अगर हमने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है ठीक है असट वगैरह खरीदे हैं बेचे हैं तो वो प्लस माइनस कर लो चेंज इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल भी प्लस माइनस कर लो और फिर जाके आपका आएगा वो फ्री कैश लोज टू फॉर्म हाँ शॉर्ट टर्म जो डेट अगर आपने कुछ इशू किया या रीपे किया तो वो भी प्लस माइनस हो जाएगा सर ये क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले जो लोग होते हैं ये इसमें फॉर्म में इंक्लूडेड नहीं होते तो इसका भी पेमेंट एडजस्ट करना पड़ेगा अगर इसमें इंक्लूडेड होते तो नहीं करते अभी लॉन्ग टर्म डेट इशूड है वो नहीं प्लस माइनस होता है यहाँ पर क्योंकि उन्हीं के लिए तो कैश लोज निकाल रहे हैं उनको अगर दे देंगे पैसा या उनका लाया हुआ पैसा भी कंसिडर कर लेंगे तो मतलब क्या निकला उन्हीं के जेब से पैसा निकाल के उन्हीं का दिखा रहे हैं कि ये देखो दो हज़ार रुपये इनके लिए अवेलेबल है वो बोलेगा मैं नहीं दिए तुमको उसको क्यों ऐड कर रहे हो ठीक <coughs> है सर ठीक है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आपके पास में दो तीन और तरीके जैसे इबिट्टा है ई ए टी है एफ सी एफ ई है इन सब से भी अगर आप शुरू करते हो तो मेन पर्पज़ आपका ये होना चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुँचना है इबिट वन माइनस टैक्स अगर यहाँ तक पहुँच दो तो बाकी सारी प्रोसीजर सेम है ठीक है सर फ्री कैश कैशलोज टू इक्विटी अब देखो इक्विटी के लिए कैश लोज निकालनी है तो कौन से प्रॉफिट से शुरुआत करोगे ऐसे प्रॉफिट से जो इक्विटी का होता है वो है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डे प्रिफ्रेंस डिविडेंड है तो वो माइनस करके ठीक है अब इसके बाद में आप क्या करोगे हमें तो कैश कैशलोज निकालनी है अर्निंग थोड़ी निकालनी तो उसमें हमने नॉन कैश आइटम एड बैक कर दिया डिप्रिशिएशन अमोटाइजेशन ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट हो गया उसके बाद हम कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट वगैरह ख़रीदा बेचा तो वो एडजस्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल ख़रीदा बेचा तो जो भी ऊपर नीचे होता है वो एडजस्ट करते हैं उसके बाद में आप देखना नया डेट अगर आपने इशू करा पैसा आया तो वो ऐड करोगे गया तो वो माइनस करोगे क्योंकि ये वैसे भी इक्विटी का पैसा नहीं है तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा डेट तो वालों का पैसा है यही डेट वालों को पैसा हम ऊपर नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्हीं के लिए कैश कैशलोस निकाल रहे थे वो बोलेंगे मैंने ही पैसा दिया और मेरे को ही दिखा रहे कि ये अवेलेबल है मेरे लिए तो गलत बात है ठीक है आगे बढ़ते हैं सर ये वन स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हो गया था जितने भी स्टेज होती है उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो आपका इंटर इंटरेंसिक वैल्यू आ जाएगा उसके बाद हमने राइट right शेयर देखा था आपको अगर याद होगा तो राइट right शेयर में क्या होता है एक्स्ट्रा शेयर्स हम इशू करके करंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम फंड्स रेज करते हैं तो जो मार्केट प्राइस है राइट right इशू के बाद की वो कैसे निकाली जाती है देखो अभी जि कितने नंबर है शेयर्स के मल्टीप्लाइड बाय अभी की प्राइस प्लस आप कितना और नंबर इशू कर रहे हो शेयर्स के और सब्सक्रिप्शन उनसे हर एक से कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हो सब्सक्रिप्शन प्राइस इससे आप क्या आ जाएगी कि पोस्ट राइट इशू मार्केट वैल्यू कंपनी की क्या होगी डिवाइडेड बाय पोस्ट राइट इशू नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे अल्टीमेटली पर्पज़ मतलब कॉन्सेप्ट वही है कि मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर अगर आपको प्राइस राइट इशू के बाद की चाहिए तो मार्केट वैल्यू भी बात की नंबर ऑफ़ शेयर भी बात के होने चाहिए इसके बाद हमने वैल्यू जो राइट की है वो निकालना सीखा था अब दो तरीके होते हैं राइट्स ऑन और रेक्स राइट अब राइट्स ऑन में क्या होता है जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हम यही मानते हैं कि वो राइट्स ऑन ही है उसके ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है बेसिक और बहुत ईजी फार्मूला है सर पहले की प्राइस थी पचास रुपये बाद में गिर के वो हो गई चालीस रुपए तो दस रुपये की होगी वैल्यू ऑफ राइट पी जीरो माइनस पी वन ठीक है अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो ये दो फॉर्मूला थोड़ा सा आप देख लो ठीक है सर एक्स राइट में क्या होता है एक्स राइट में बस फर्क इतना ही पड़ता है कि अब अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो उसमें एक्स्ट्रा शेयर नहीं मिलते तो डिवाइड बाय एन प्लस वन नहीं होता ये वाला फार्मूला देखो एन वन इंटू पी जीरो माइनस एस डिवाइडेड बाई एन प्लस एन वन और ये देखो पी जीरो माइनस एस तो सेम है लेकिन डिवाइड बाय सिर्फ एन है एन प्लस वन एन प्लस नहीं है एन वन नहीं है क्योंकि अब एक्स राइट की डेट जाने के बाद कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं मिलते तो वो एन ही रहेगा वैल्यू ऑफ राइट के लिए प्रिफरेंस शेयर सर ये रिडीमेबल है इनकी टाइमलाइन होती है तो जितना भी डिविडेंड जब तक मिल रहा है तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो आपकी आ जाएगी ये इ रिनीमेबल तो परपेचुटी वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा देखो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में रिटर्न लोगे प्रेफरेंस वालों का वो है प्रेफरेंस डिविडेंड डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ले, ले लिया सेम परपेचुटी का फॉर्मला इस्तेमाल करो बॉन्ड की वैल्यू भी वही है सर जो फ्यूचर वैल्यूज़ है इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर प्लस रिडमशन वैल्यू इन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये दो ही तरह की रिटर्न आपको कैश फ्लोज आपको मिलनी है बॉन्ड में उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो कॉन्सेप्ट सेम है वही का वही ठीक है हाँ एक चीज़ याद रखना अगर सेमी एनुअल पेमेंट हो रहा है तो इंटरेस्ट भी आधा हो जाता है वाई भी आधा हो जाता है और जो नंबर ऑफ पीरियड है वो डबल हो जाता है ये चीज़ का जरूर याद रखना करंट डील्ड कैसे निकालते हैं सर ये और कुछ नहीं परपेचुटी का फॉर्मूला है वो मार्केट प्राइस चला गया डिनोमिनेटर में तो करंट डील्ड में परपेचुटी में ये हो गया आर यहाँ पे और ये कैश फ्लोज हो गया न्यूमरेटर में और ये हो गया पी इस पी को इधर भेज दो आर को इधर लेके आ जाओ तो पी इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर ये वही फार्मूला है परपेचुटी का बेसिक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको लगेगा नए नए फार्मूला इस्तेमाल करें नहीं सर बिल्कुल नहीं अच्छा वाई टी एम अगर निकालना है तो दो तरीके मैंने बताया एक तो एवरेज मेथड यूज होता है एक तो आई आर मेथड यूज होता है एवरेज मेथड में भी क्या है वाई टी एम यानी कि रिटर्न रिटर्न निकालना है तो न्यूमरेटर में रिटर्न ले लो डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट ले लो अब रिटर्न जो बॉन्ड में होता है वो दो तरीके का होता है कूपन अमाउंट एक तो इंटरेस्ट मिलती है और एक कैपिटल अप्रिसिए होता है बट कैपिटल अप्रीशिएशन अगर दस साल का बॉन्ड है तो पूरे दस साल का निकलता है इसलिए डिवाइडेड बाई टेन करके हम एनुअल ले लेते हैं अब क्या हो गया कूपन भी एनुअल आ गया कैपिटल अप्रिसिएशन भी एनुअल आ गया दोनों एनुअल फिगर आ गई तो आपका जो रिटर्न है वो भी एनुअल आएगा न्यूमेरेटर में अगर हाफ ईयरली रिटर्न है तो ये हाफ ईयरली आता है वहाँ डेली का रिटर्न लोगे डेली का कूपन डेली का कैपिटल अप्रिसिएशन तो डेली का रिटर्न आएगा ये चीज़ का ध्यान रखना और डिनोमिनेटर में उन्होंने मैं तो सैट्सफाइड नहीं हूँ बट एवरेज इन्वेस्टमेंट लिया है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेते कौन एवरेज इन्वेस्टमेंट लेता है तो रिडम्पशन वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टू गलत है वैसे तो बट ठीक है एग्जाम में यही करना पड़ेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से अगर आपको याद होगा तो हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं आईआरआर मेथड से ट्रायल एंड एरर बेसिस पर निकालते पहले ये रेट लेते फिर ये रेट लेते फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के इंटरपोल्यूशन करें तब जाके आपकी बॉन्ड की वैल्यू आती सॉरी वो आता है सेम चीज़ है सर यील्ड टू कॉल वाला इसमें क्या होता है सिर्फ रिडम्पशन की जगह पे कॉल वैल्यू लेते हैं क्योंकि रिडीम तो कर नहीं रहे हैं उसके पहले ही हमने कॉल कर लिया कॉलेबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि दस साल का बॉन्ड है तो हम कंपनी अगर चाहे तो दस साल के पहले कभी भी बॉन्ड को वापस बुला सकती है तो जिस टाइम पर बुला के पैसा दे रही है उसको कॉल वैल्यू कहते हैं तो सी का मतलब वही हो गया बाकी सारा फॉर्मूला सेम है आ जाओ सर ड्यूरेशन ऑफ़ द बॉन्ड आप देखा आपने ड्यूरेशन में मैकोलिस ड्यूरेशन हमने देखा था चार फार्मूले देखे थे उसमें से तीन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं सबसे बेस्ट होता है सर समेशन ऑफ वेट इंड टू ईयर उसके बाद समीशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इंटू ईयर प्रेजेंट वैल्यू इंटू ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ये भी याद होगा और ये सबसे बेस्ट मेरे को तो ये बेस्ट लगता है क्योंकि ये एक बार का रटना पड़ता है लेकिन बहुत जल्दी आंसर निकलता है प्रेशर नहीं आता दिमाग में बट अगर गलती से भी प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो गया तो सारी कर मतलब किया कराया बेकार हो जाएगा आपका तो रिस्क भी बहुत है रिटर्न भी जल्दी ज़्यादा है तो रिस्क भी बहुत है सर ये वाला फार्मूला तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता कोई यूज़ भी नहीं करता अच्छा मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है वॉले वॉलेटिलिटी और मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू जो जो ड्यूरेशन आपका आया था डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई या वन प्लस वाई टी एम डिवाइड बाई एन अगर कमपाउंड हो रही है तो। अब इससे आता है कि यार एक परसेंट अगर मैंने वाई बदला ध्यान देना एक परसेंट वाई बदला तो निगेटिवली यानी कि अगर वाई ऊपर गया तो मार्केट प्राइस नीचे जाएगी तो कितने परसेंट से इतने परसेंट से कितने वोलेटिलिटी वाले परसेंट से मार्केट प्राइस में बदलाव होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन के साथ एक प्रॉब्लम थी कि अगर वाई टी एम चार पाँच परसेंट से बढ़ रहा है तो ये ना आंसर एक्यूरेट नहीं देता था बहुत ही ज़्यादा दूर एरोनियस आंसर आता था और इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमने सोचा हमने सोचा यानी किसी पर्टिकुलर बंदे ने सोचा होगा कि ये वैलाटिलिटी जो है इसको एडजस्ट करते हैं एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट करने के लिए कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आया अब क्या किया मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से ये वाला आंसर आता है कि भैया इतना मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड शुड बी द चेंज इन मार्केट प्राइस लेकिन यह इरोनियस आंसर आता है इसको एडजस्ट करा है हमने सिर्फ एक और फैक्टर एड करके सो दिस इज द फर्स्ट थेरम दिस इज द सेकंड थेरम और आप बोलो फर्स्ट पार्ट और द सेकंड पार्ट यह एडजस्टमेंट वाला पार्ट है इस पूरे पार्ट को कॉन्वेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड स्क्वायर जो है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी तो हमने ऐसा निकाल लिया आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों कॉन्वेक्सिटी आया इसमें प्रॉब्लम थी इससे क्या है एरर वाला जो पार्ट है वो बहुत कम हो जाता है इससे भी अप्रॉक्सिमेटी आंसर आता है एक्यूरेट आंसर नहीं आता मैंने आपको बताया था उसके लिए एवरेज लेते हैं हम इसलिए ऐसा आता है वो आप अगर फॉर्मुला देखोगे डेरीवेशन तो समझ में आएगा अब हमने बॉन्ड इम्यूनाइजेशन भी सीखा कि हमको अगर पांच साल में पैसा चाहिए तो ड्यूरेशन जो हम पोर्टफोलियो का बना रहे हैं वो भी पांच साल का होना चाहिए और पांच साल तक मेंटेन करके रखना है तभी वाई में अगर ऊपर नीचे भी हुआ तो भी हमको कोई नुकसान नहीं होगा सो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इन्वेस्टर को जब पैसा चाहिए उतना ही पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द असट शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी और एक चीज याद रखो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन क्या है सर वेटेड एवरेज तो हर एक चीज का ड्यूरेशन इंटू वेट कर लो आपका पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन आ जाएगा हमने आखिरी टॉपिक देखा था बॉन्ड में सर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का अगर आपको याद होगा तो दस टॉपिक देखे थे कन्वर्जन रेशो का मतलब होता है एक बॉन्ड को कितने इक्विटी शेयर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस नंबर ऑफ रेशो को अगर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करते तो वो कन्वर्जन वैल्यू आती थी लेट से कि हम हमारी कन्वर्जन वैल्यू यानी कि बॉन्ड को कन्वर्ट करने के बाद इक्विटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो है सात ओके okay, तो उसे कन्वर्जन वैल्यू कहते हैं अब अगर मार्केट प्राइस जो कन्वर्टेबल बॉन्ड की वो नौ सौ रुपए है और उतने ही अगर मैं इक्विटी शेयर खरीदूँ तो तो वो सात सौ के पड़ रहे हैं और मैं इक्विटी शेयर ना खरीदते हुए बॉन्ड खरीद रहा हूँ इसका मतलब मैं दो सौ रुपए ज़्यादा दे रहा हूँ उस दो सौ रुपए को कन्वर्जन प्रीमियम बोलते हैं वो दो सौ ज़्यादा दे रहा हूँ सात सौ के ऊपर तो दो सौ बाई सात सौ करोगे तो आएगा आपका कन्वर्जन प्रीमियम रेशो क्या आएगा कन्वर्जन प्रीमियम रेशो मार्केट वैल्यू ऑफ़ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू माइनस वन उसके बाद स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड तो जो आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है एक बॉन्ड जिसमें जो कन्वर्टेबल है एक बॉन्ड जो कन्वर्टेबल नहीं है बाकी सब कुछ सेम है फेस वैल्यू सेम है कूपन रेट सेम है टाइम सेम है सब कुछ सेम है बस ये जो दूसरा बॉन्ड है इसमें कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो जिसमें ऑप्शन है वो ज़्यादा में बिकेगा जिसमें ऑप्शन नहीं है वो कम में बिकेगा जितने में भी बिकेगा उसे स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहते हैं स्ट्रेट वैल्यू का मतलब होता है ऐसे बॉन्ड की प्राइस जिसमें कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता मिनिमम वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मैंने आपको ये चीज़ बहुत क्लियर क्लियर बताई थी कि जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है बॉन्ड वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल ऑलवेज बी हायर ऑफ द स्ट्रेट वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उतना ही कन्वर्टेबल बॉन्ड पहुंचेगा उससे नीचे नहीं जाएगा डाउनसाइड रिस्क का मतलब क्या होता है जो कन्वर्टेबल बॉन्ड था आपका मान लो 900 का और आपका नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड दोनों सेम है सिर्फ इसमें कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है और ये पड़ रहा है आपको आठ का तो सौ कम का पड़ रहा है यही होता है डाउन रिस्क सौ रुपये डिवाइडेड बाय आठ सौ करोगे यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड डिवाइडेड बाय स्ट्रेट वैल्यू माइनस वन तो आपको परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क मिल जाएगा कन्वर्जन पैरिटी प्राइस एक ऐसी इक्विटी शेयर की प्राइस होती है जिस पे आप कन्वर्जन करा सकते हो जिस प्राइस के ऊपर अगर प्राइस चली जाएगी तो आपको कन्वर्जन कराने से फ़ायदा होगा नीचे रहेगी तो कन्वर्जन कराने से फ़ायदा नहीं नुकसान होगा ये वो प्राइस है जहाँ पे आप कन्वर्जन करा सकते हो उसके पहले या उसके नीचे कन्वर्जन नहीं करा सकते इसको कन्वर्जन गण पैरिटी प्राइस बोलते हैं मार्केट कन्वर्जन प्राइस बोलते हैं ब्रेक इवन प्राइस भी बोलते हैं और मिनिमम प्राइस भी बोलते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे निकालेंगे जो भी बॉन्ड की प्राइस होगी नौ डिवाइडेड बाई कितने शेयर्स मिल रहे हैं मान लो अगर बीस शेयर मिल रहे हैं तो पैंतालीस आंसर आएगा ठीक है फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल अब आपने देखा होगा कि इक्विटी शेयर खरीदते हो तो उसमें डिविडेंड मिलता है लेट से तीस रूप तीस इक्विटी शेयर है और तीस रुपए का डिविडेंड मिल रहा है आपने वो ना खरीदते हुए आपने बॉन्ड खरीद लिया तो सात सौ रुपए की जगह नौ सौ रुपए दिए दो सौ रुपये ज्यादा दिया प्रीमियम लेकिन बॉन्ड में आपको सौ रुपए का ध्यान देना सौ रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी फेवरेबल इनकम कितनी हो गई इक्विटी खरीदते तो तीस रुपए की बॉन्ड खरीद रहे हो तो सौ रुपये हर साल मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में तो सत्तर रुपये आपका फेवरेबल हो गया ना ये रहा ये हो गया फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल बट उन्होंने अगर पर शेयर पूछा तो डिवाइडेड बाय थर्टी करना जरूरी है उसके बाद में आता है प्रीमियम पे बैक पीरियड अभी 700 का बॉन्ड 900 में खरीदा आपने ध्यान देना 700 सौ सात सॉरी सात की इक्विटी शेयर ना खरीदते हुए 900 का बॉन्ड खरीदा तो दो सौ ज़्यादा दिए वो प्रीमियम आपका वापस कब कलेक्ट हो रहा है वापस कैसे कलेक्ट होगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो खर्चा है एक्स्ट्रा इनकम से कलेक्ट होता है वापस वापस आता है तो एक्स्ट्रा इनकम क्या है फेवरेबल इनकम जो सौ की नहीं सत्तर की थी हर साल सत्तर रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा था बॉन्ड में लेकिन हमने स्टार्टिंग में दो सौ रुपए ज्यादा भी दिया तो दो सौ डिवाइडेड बाई सत्तर प्रीमियम डिवाइडेड बाई फेवरेबल इनकम अगर आप करोगे तो आपको पता जाएगा कितने साल में आपका प्रीमियम आ जाता है वापस और उसके बाद जो फेवरेबल इनकम मिलती है वो पूरा आपका प्रॉफिट होता है ठीक है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हमने कुछ फॉर्मुलेस देखे थे थोड़ा ध्यान देना डर्टी प्राइस इज इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ये चीज का ध्यान है डिस्काउंट रेट फेस वैल्यू पे होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब फॉर्मूले में जो गड़बड़ है वो यहाँ पे ठीक कर लेना डिस्काउंट रेट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है बैंक्स मोस्टली 360 दिन यूज़ करती है इसके बाद डिस्काउंट ईल्ड अगर अच्छा इन्होंने ना डिस्काउंट ईल्ड नहीं देना था यहाँ पर सिर्फ ईल्ड लिखना था इन्होंने डिस्काउंट लिखा वो डिस्काउंट वर्ड काट दो तो जो ईल्ड होती है रिटर्न होता है वो इशू प्राइस पर कैलकुलेट होता है और नॉर्मली जो साल लिए जाते हैं वो तीन सौ पैसठ दिन का लिया जाता है हेयर कट और इनिशियल मार्जिन भी हमने देखा कि जो डर्टी प्राइस होती है इतना देना बनता है उसमें से दो तीन परसेंट काट लिया जाता है और उसके बाद की जो अमाउंट आती है वो होती है अमाउंट ऑफ बोरोविंग यानी कि कितना पैसा उठाया होल्डिंग पीरियड रिटर्न यानी कि कितने दिन मतलब अगर तीस दिन का है तो तीस दिन का रिटर्न कितना है तो जो इससे आंसर आता है वो तीस दिन का ही आता है साल भर का नहीं आता अगर एनुअलाइज्ड ईल्ड निकालना है या बैंक डिस्काउंट बेसिस पे तो अगेन ये जो डिस्काउंट है ये फेस वैल्यू पे ही निकलता है 360 दिन लिया जाता है इफेक्टिव एन्यूअल ईल्ड ये जो आपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न 30 दिन का निकाला है अगर ये 30 दिन का निकाला है उसको अगर साल भर में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला है और ये इफेक्टिवली अगर कन्वर्ट करना है और एवरेज कन्वर्ट करना है तो मनी मार्केट यील्ड देखना होल्डिंग पीरियड रिटर्न अगर आपका 30 दिन का 5 परसेंट है तो आप क्या करोगे 5 को 30 से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करो आपका साल भर का रिटर्न निकलता है इसके साथ आपका सिक्योरिटी वैल्यूशन हो गया सर खत्म उसके बाद आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के भी कुछ फार्मूलेज देखे थे रिस्क आपने जो चैप्टर देखा था ना कि बेसिक्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट उसमें हमने कुछ फार्मूलेस देखे थे अब हम वो देखेंगे लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ फाइव मिनट्स आई बी बैक विद द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर्मूलाज और यहाँ से हम चैप्टर की शुरुआत कर देंगे जो फॉर्मूलाज हम देख चुके हैं उन उनपे मैं पहले क्वेश्चनस लूंगा और बीच बीच में एक दो फॉर्मूलेज जो आएंगे वो सब समझाऊंगा तो अगले जो पंद्रह क्वेश्चन है वो हम इसी लेक्चर में लेने वाले हैं सर सो लेट लेट्स टेक अ ब्रेक सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हम देखेंगे सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के वो फॉर्मूलेज जो हमने रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के पहले जो बेसिक्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा था तो पहला फॉर्मूला था सर रिटर्न का ध्यान देना रिटर्न सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न हम कैसे निकालते हैं सर जब इक्विटी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको दो चीज़ें मिलती है एक तो होती है सर डिविडेंड और दूसरा होता है कैपिटल एप्रिशिएशन ठीक है इन दोनों को डिवाइड करोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से तो आपका रिटर्न आ जाता है वही चीज अगर आप बॉन्ड में जाते हो तो आपको याद है वाई निकालने के लिए हम कूपन प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन पर एनएम ही तो लेते थे उसका फॉर्मूला था रिडमशन वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एन बस उसी तरह से इक्विटी शेयर का हो गया डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रेशिएशन डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट अब हम न्यूमरेटर में डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन सालवर का लेंगे तो रिटर्न भी सालवर का आएगा लेकिन कई बार क्या होता है कि रिटर्न आपको दिया होता है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग दी होती है यानी कि एक साल के एंड में ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी इतने रिटर्न हो सकते हैं और सबकी प्रोबेबिलिटी दी होती है ठीक है तो ऐसे टाइम पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या निकाल सकते हैं कि हर रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो अंदर से बाहर आना है ठीक है उसके बाद में हमने देखा था पोर्टफोलियो का रिटर्न अब ये तो सब हो गया सिंगल सिक्योरिटी रिटर्न अब अगर आपने यहाँ पर पोर्टफोलियो में दो दो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तीन में कर रखा है और सबका अपना अपना रिटर्न है तो ऐसे टाइम पे पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालोगे उन रिटर्न को वेट से मल्टीप्लाई करके आपको टोटल करना है सो दिस इज़ नथिंग बट द वेटेड एवरेज रिटर्न ठीक है ये भी हमने देख लिया था आगे बढ़ते हैं सर अब यहाँ से जो है सी से ये हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के डिस्कशन में आ जाएगा जब जरूरत पड़ेगी तो अभी इसको भी आगे बढ़ाता हूँ और ये देखो फिर हमने शुरू किया था सर रिस्क यानी कि स्टैंडर्ड एवियेसन का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड एवियशन में आप ध्यान देना क्या होता है मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको मान लो कि रिटर्न दिए हुए हैं ठीक है कि पांच रिटर्न पॉसिबल है और उन सबकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं सबसे पहले तो रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी करके टोटल करते हैं और ये बार आर निकाल लेते हैं ये होता है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने पहला फार्मूला देखा प्रोबेबिलिटी के साथ वाला इसके बाद में हम चाहते हैं कि ये रिटर्न में रिस्क कितना है या हम तो बोल रहे हैं कि दस परसेंट हम कमा लेंगे साल भर में लेकिन साल भर में ये दस परसेंट कितना ऊपर नीचे हो सकता है ये भी हमें निकालना है यानी कि उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम सबसे पहले डेविएशन निकालना शुरू करते हैं हर रिटर्न जो आपको पहले कॉलम में दिया हुआ है उसको उसमें से आप बार आर आर यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कर दो तो आपको हर जगह पर डेविएशन दिखेगा कई कई पे फिगर्स निगेटिव भी आएगी आपको उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये डेविएशन आप निकालने जा रहे हो रिस्क जो निकालने जा रहे हो वो कभी भी निगेटिव नहीं आता स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कभी भी निगेटिव नहीं आता इसलिए यहाँ से निगेटिविटी हटानी पड़ेगी तो अगली स्टेप जो आप करते थे वो था आर आई माइनस बार आर आई का स्क्वायर ये स्क्वायर इसलिए करते थे क्योंकि निगेटिव फिगर को भी स्क्वायर करो तो निगेटिविटी हट जाती है पॉजिटिव आंसर आता है ठीक है तो ध्यान देना सर ये जो आर है माइनस बार आर है उसका हमने किया स्क्वायर ठीक है अब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो ये देखो नीचे में लेकिन नई प्रोबेबिलिटी दी है तो डिवाइडेड बाय एन करना पड़ेगा अच्छा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन आता है और यहाँ पहले समेशन है और फिर डिवाइडेड बाय एन है तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि डिवाइडेड बाय एन आखिरी में आता है प्रोबेबिलिटी पहले मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे और फिर समेशन आएगा ठीक है तो विथ विदाउट प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन और विथ प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन भी हमने देखा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वापस प्रैक्टिस हो जाएगी आपको बस फार्मूला थोड़ा याद रखने की जरूरत है और ये वाला फार्मूला तो रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हमने देखा ही था अब यहाँ पे जब हम रिस्क निकालेंगे पोर्टफोलियो का तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दो सिक्योरिटीज़ ही अगर पोर्टफोलियो में तो हमारा फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर उसमें हमने देखा था कि इसको एक्सपैंड करते हैं तो ऐसा आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और हमने क्या करा था ए की जगह रख दिया था वेट ऑफ ए डेविएशन ऑफ ए बी की जगह रख दिया था वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इस तरह से आपका बना वेट ऑफ ए डेविएशन ऑफ़ ए का स्क्वायर यानी कि ये ए स्क्वायर फिर ये बना वेट ऑफ बी डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर फिर ये रहा टू फिर ये रहा ये जो पार्ट है वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डिशन ऑफ़ ए वेट ऑफ बी स्टैंडर्डन ऑफ बी बी और ये एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है ये चीज़ का ध्यान रखना कोरिलेशन रिलेशन कोइफिशंट ये क्यों ऐड होता है सर क्योंकि जब दो सिक्योरिटीज़ अलग अलग सिक्योरिटीज़ को एक कंबाइंड पोर्टफोलियो में डालते हो तो आपके पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो कम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए वो कोरिलेशन कोइफिशंट बताता है कि कितना कम होगा रिस्क जो है वो कितना कम होगा अगर मैं पॉइंट एट बोल रहा हूँ इसका मतलब समझो क्या है कि अगर ये दोनों सिक्योरिटीज़ में मैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट करता इस साल ए में कर रहा हूँ उस साल बी में कर रहा हूँ ठीक है तो उन दोनों का मिला के एक रिस्क आता वन यूनिट बट मैं दोनों में एक साथ अगर इन्वेस्टमेंट करूँ और पोर्टफोलियो क्रिएट करूँ तो रिस्क मेरा सिर्फ पॉइंटेड रहेगा यानी कि एक से पॉइंट एट पॉइंट टू जीरो तक का रिस्क आप कम कर सकते हो अगर पोर्टफोलियो बनाते हो इन दोनों सिक्योरिटीज़ का अलग अलग रिस्क देखोगे तो एक आएगा दोनों का मिला के लेकिन साथ में देखोगे तो पॉइंट एट आएगा तो यही फ़ायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन का ये जो पॉइंट टू जीरो का रिस्क कम हुआ ना ये है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से चलो बहुत बढ़िया आगे देखेंगे इसके बारे में भी क्या क्या आता है ये सब चीज़ें भी देखेंगे और चलो ठीक है अब यहाँ तक ही हमने देखा था पहले जब हमने क्वेश्चन सारे वो रिस्क मैनेजमेंट के शुरू करने थे उसके पहले अब हम आते हैं सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ध्यान देना मज़ा आएगा सो so ये आपको आना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर पेज नंबर वन फिफ्टी नाइन पे वन फिफ्टी नाइन पे क्वेश्चन नंबर वन है थोड़ा ध्यान देना अपन देखते हैं ये सारा क्वेश्चन जो है ये तो आपका कंपाइलर में ही सॉल्व हो जाएगा यू कैन टेक दिस एज एन होमवर्क ऑल्सो एक स्टॉक की कॉस्ट दी हुई है एक सौ की तो ये आपका बन गया पी ज़ीरो यानी कि किस प्राइस पे आपने इन्वेस्टमेंट करा और उसके बाद में अलग अलग प्राइसेस दी हुई है साल के अंत में ये प्राइस जा सकती है और उनकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है ठीक है अब और कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है यानी कि अगर रिटर्न निकालना है और आपका फॉर्मूला डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रेशिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो डिविडेंड उसमें है ही नहीं तो अल्टीमेटली फार्मूला क्या बचा आपका कैपिटल एप्रेशिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो एक का बन जाएगा कैपिटल एप्रेशिएशन कैसे निकालोगे ये जो पी आपको दिया हुआ है उसमें से आपको पी माइनस करना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए पी माइनस पी का एक कॉलम बना लो तो वो सारा कैपिटल अप्रिसिएशन आ जाएगा उसको डिवाइड कर दो आप 150 से तो आपका रिटर्न का कॉलम आ जाएगा उस रिटर्न को आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर 130 होने के चांसेस 20% परसेंट है तो इस रिटर्न के होने के चांसेस भी तो बीस परसेंट हुए तो रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी कर दो और उन सब की टोटल कर लो आपका पहला आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना कमाओगे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन किसी सिंगल असेट का पूछा जाता है तो दो ही सवाल आपने पूछने हैं अपने आप से कि ये विदाउट प्रोबेबिलिटी है विथ प्रोबेबिलिटी है हमें तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दिख रही है क्लियरली तो यह विथ प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा ध्यान देना आर आई माइनस बार आर आई करके आप डेविएशन निकालते हो उसमें कुछ निगेटिविटी होती है तो वो निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वेर करते हो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निगेटिव नहीं होता इसलिए स्क्वेयर करते हो ताकि निगेटिविटी हट जाए फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे ये आ गया आपका वेरियंस इसे कहते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वेयर और इस चीज को जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है ये देख रहे हो 130 में से 150 माइनस करा तो माइनस बीस आंसर आया उस माइनस बीस को एक से डिवाइड करा तो 13.33 परसेंट में आंसर आ गया तो ये आपका आर आ गया परसेंट में अब देखो इन्हीं परसेंट वाले आंसर को यहाँ लिख लिया मल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट कर दिया एग्जाम में एक ही टेबल में लाइन से लिखते जाना ये दो टेबल मत बनाना फालतू में सेम फिगर डबल जब लिखनी पड़ती है तो टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी एक्स्ट्रा बै मार्क्स नहीं मिलते उसके तो ये प्रोडक्ट लेके 6.667 आ गया इसका मतलब क्या है कि सर इस साल आपका जो रिटर्न रहेगा वो इतना रहेगा ये माना जा रहा है कि आप इतना कमाओगे इस शेयर से ठीक है अब अगली बार जो हुआ वो है कि ठीक है अब देखो अगर स्टैंडर्ड एविएशन नहीं पूछा होता ना इस क्वेश्चन में तो एक आसान तरीका भी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सेकेंड देना बस ये था आप क्या करते सीधा प्राइस से प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके एक प्राइस निकाल लेते स्टार्टिंग की 150 थी बाद की 160 थी तो दस रुपये का बेनिफिट है दस रुपये का डेढ़ सौ रुपये में बेनिफिट तो भी आंसर सेम आता आप तो बोलोगे कि सर ये कितना आसान है ये सब करने से तो एक्जैक्टली exactly बहुत आसान है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने नहीं दिया होता तो ये प्रोसीजर अप्लाई करते अब सोचो कि अगर आपने ये मेथड से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया और बाद में स्टैंडर्ड एवेशिएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड एवुएशन में ये वाली सारी वर्किंग वैसे भी करनी पड़ेगी आपको तो आपका तो काम और बढ़ जाएगा ठीक है ये चीज का ध्यान रखना मैं यहां पे लिख देता हूं फॉलो दिस अप्रोच टू सेव टाइम वेन SD डी इज नॉट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने नहीं दिया होता तो बट अब दिया है तो देखो यही वो रिटर्न्स ले लिए ये वो प्रोबेबिलिटीज ले ली जो क्वेश्चन में दिए अब हमने क्या करा माइनस थर्टीन पॉइंट थ्री 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 में से जो एवरेज रिटर्न हमारा सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन निकला है वो माइनस करा तो माइनस ये माइनस वो प्लस हो जाएगा ये माइनस ट्वेंटी आ गया डेविएशन जीरो में से सिक्स 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 पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन गया तो माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन आया इस तरह से आपका ये डेविएशन आ गया आपको दिख रहा है कुछ कुछ नेगेटिविटी होती है तो हम उसको स्क्वायर करते हैं ठीक है स्क्वायर करने के बाद में आपको क्या करना है सर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो आपको टोटल कर लो तो इसको कहते हैं वेरियंस इसको क्या कहते हैं सर वेरियंस और उसके बाद आप स्क्वायर रूट कर दो तो आ गया एलेवन पॉइंट फाइव फोर सेवन बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं ये बताता हूँ मान लो कि इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो आप क्या करते टोटल करने के बाद डिवाइडेड बाय एन करते तो जो फिगर आता उसको वेरिएंस कहते हैं बट बच्चे क्या गलती करते हैं उनको आदत होती है ये प्रोबेबिलिटी वाला उनके दिमाग में बैठ गया कि टोटल करते ही जो फिगर आती है वो है वेरिएंस अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी है और आपने टोटल कर ली तो वो वेरियंस नहीं है सर उसको एन से डिवाइड करने के बाद वेरियंस आता है तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें फॉर्मूला जो आपने देखा वो प्रोबेबिलिटी के बाद समेशन था और समेशन के बाद डिवाइडेड बाय एन था दोनों में फ़र्क ये है ये देखो पहले आर आई माइनस बार आर आई फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई और फिर समेशन तो ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला बट अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो क्या करते हैं आर आई माइनस बार आर आई डिवाइडेड बाय एन तो ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला तो आप देख सकते हो कि समेशन के बाद एन से डिवाइड करना जरूरी है वेरिएंस निकालने के लिए ठीक है तो इस तरह से उन्होंने वेरिएंस निकाला टोटल आया 11.547 अब इसका मतलब भी तो समझो देखो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक साल में आपका जो रिटर्न है वो सिक्स पॉइंट सिक्स हो जाएगा ठीक है सिक्स लेकिन क्या बताऊँ आपको ये जो सिक्स है सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन प्लस एलेवन पॉइंट फाइव फोर सेवन ये बढ़ के एटीन परसेंट तक जा सकता है एटीन पॉइंट टू वन से एटीन पॉइंट टू वन तक जा सकता है और गिर के माइनस फोर पॉइंट एट एट तक भी जा सकता है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही होता है कि ये जो सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन परसेंट है रियलिटी में यहाँ से मैक्सिमम इतना बढ़ के एटीन परसेंट तक जा सकता है और नीचे भी गया तो माइनस फोर तक तो ये आपकी रेंज बन गई कि इस रेंज में कहीं ना कहीं आपका एक्चुअल रिटर्न रहेगा ये तो एक्सपेक्टेड है मीन बोल सकते हो एवरेज बोल सकते हो बट ये ये आपकी रेंज है इसके बीच में ही आपका रिटर्न आएगा इसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर टू देख लो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है थोड़ा पढ़ लेते हैं एक आपको इंफॉर्मेशन दी गई है तीन मार्केट कंडीशन दी है ध्यान देना मार्केट कंडीशन तीन तरह की दी है गुड नॉर्मल बैड और उसके होने के आपकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है तो ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन हो गया ठीक है अब उस मार्केट कंडीशन में प्राइस एक सौ होगी नौ रुपये डिविडेंड बांटा जाएगा अगर मार्केट कंडीशन गुड रही तो नॉर्मल रही तो प्राइस थोड़ी कम रहेगी डिविडेंड भी थोड़ा कम रहेगा और बैड रही तो प्राइस और कम रहेगी डिविडेंड और कम रहेगा ठीक है जो अभी मार्केट में शेयर की प्राइस चल रही है वो एक सौ चल रही है लेकिन ध्यान देना ये जो शेयर चल रहा है वो कम डिविडेंड है कम डिवेंचर सॉरी यानी कि ये जो भी शेयर खरीद रहा है वो एक तरह से एक डिवेंचर भी खरीद रहा है जिसकी कीमत है छः रुपये बट हमें देखो कैलकुलेशन जो रिटर्न निकालना है वो शेयर कम डिबेंचर का नहीं निकालना होता है वो शेयर का अपनी जगह पे निकालना होता है उसमें से डिबेंचर हटा दो तो 106 में से अगर छः रुपये का डिबेंचर डिवे, हटा दिया तो शेयर की प्राइस कितनी हुई सौ रुपये हो गई तो ये जो 106 का कम डिबेंचर शेयर है इसमें से छः हटा दो सौ इक्विटी शेयर की प्राइस हो गई उसको मानो आप पी ठीक है अब Mrs. का फाइनेंस कंपनी जो है ये बोलती है कि इनको ये जो डिबेंचर है ये वापस खरीदना है मार्केट में जिन जिन ने ये शेयर खरीदा कम डिबेंचर वाला उनके पास में डिबेंचर खरीदने का भी राइट आ गया मतलब डिबेंचर आ चुका है उसके अंदर में अब कंपनी चाह रही है कि वो डिबेंचर वापस ले ले और वो भी फेस वैल्यू पे वापस ले ले यानी कि जो छः रुपये हैं उसी पे वापस ले ले यानी छः रुपये कंपनी दे देगी उसमें से डिबेंचर आपका हट जाएगा फिर आप उसके बाद नहीं बोल सकते कि यार इसमें तो मेरे को एक डिबेंचर भी चाहिए क्योंकि आपको आपका पैसा मिल गया डिबेंचर खत्म हो गया अब आप आपका वो सिर्फ शेयर ही है तो कंपनी चाह रही है कि शायद मैं डिबेंचर हम वापस मंगा लें फाइंड आउट दी एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएबिलिटी ऑफ़ द रिटर्न वेरिएबिलिटी को अंडरलाइन करके लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है उसका मतलब वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी आप कितना कमा सकते हो और आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा ये दोनों बहुत आसान कैलकुलेशन है सर जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था एग्जैक्ट वैसे ही करना है ठीक है सबसे पहले तो आपको तीनों कंडीशन में रिटर्न निकालना है तीनों कंडीशन में डिविडेंड कितना है दिया हुआ है कैपिटल अप्रीशिएशन निकाल लो सौ रुपये में से माइनस करोगे तो इसका कैपिटल अप्रेशिएशन पंद्रह सात और माइनस तीन आएगा ठीक है तो ये हो गया आपका कैपिटल अप्रेशिएशन अब कैपिटल अप्रेशिएशन और डिविडेंड की टोटल करो तो यह आता है चौबीस रुपये यह आता है बारह रुपये और यह आता है जीरो रुपये और इन्हीं को परसेंट सौ से डिवाइड करोगे तो परसेंट में आ जाएगा तो यही चौबीस परसेंट बारह परसेंट और जीरो परसेंट के आपके रिटर्न आ गए तो आपका आर आ गया चौबीस बारह और जीरो परसेंट ठीक है अब क्या करोगे सर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ना प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो पॉइंट टू फाइव पॉइंट फाइव और पॉइंट टू फाइव उसके बाद रिटर्न इन टू प्रोबेबिलिटी करो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम प्रोसीजर है वेरिएबिलिटी के लिए क्या करोगे इस रिटर्न को एक्सपेक्टेड में से माइनस कर दो फिर 12 को भी एक्सपेक्टेड में से माइनस कर दो ज़ीरो को भी एक्सपेक्टेड में से माइनस कर दो जो भी आपका डेविएशन आया उसको स्क्वायर कर लेना क्यों स्क्वायर करोगे सर निगेटिविटी हटाने के लिए ध्यान देना ये आपका 24, 12 और जीरो रुपीज़ आ गया इसी कोई परसेंटेज में लिख सकते हैं बिकॉज़ सौ रुपये का ही वैल्यू है आपका इनिशियल प्राइस तो परसेंटेज वाला रिटर्न निकालना है तो अभी चौबीस बारह और जीरो लिख लो ठीक है तो 24 माइनस बारह इन्होंने क्या कराया अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविशन जो निकाला है वो इस फॉर्मेट में निकाला है इक्वेशन वाले आप टेबल फॉर्मेट में भी निकाल सकते हो सो so, आपको क्या करना है आर माइनस बार आर करना है फिर उसका स्क्वायर करना है ये देखो आर माइनस बार आर किया उसका स्क्वायर किया और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया फिर आर माइनस बारह आर करके स्क्वायर किया प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया फिर वही किया फिर वही किया फिर वही किया, किया, किया और इन सबको ऐड कर लिया आपका आ गया वेरियंस वेरियंस आया सर आपका सेवेंटी टू रुपीज़ उसको रूट कर लोगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन आ जाएगा एट पॉइंट फोर नाइन परसेंट इसका मतलब आप जो इस पूरे सिनेरियो में कमा सकते हो वो है बारह परसेंट जो एवरेज आ रहा है कि आप साल भर में बारह परसेंट कमा सकते हो लेकिन वो बारह परसेंट भी साढ़े आठ परसेंट से ऊपर नीचे जा सकता है यानी कि तकरीबन ट्वेंटी पॉइंट फोर नाइन और ये आ जाएगा थ्री पॉइंट फाइव वन परसेंट के आसपास यानी आपकी रेंज वो रहेगी कमाने की ट्वेंटी से थ्री परसेंट के बीच में आप कुछ तो कमाओगे अब क्वेश्चन आपको ये भी पूछता है कि एंड ऑल्सो एडवाइज़ वेदर टू एक्सेप्ट द बाईबैक ऑफर अब एक्सेप्ट कौन करेगा बाई बैक ऑफर को बायबैक ऑफर को एक्सेप्ट करता है इन्वेस्टर और कंपनी जो है वो बायबैक ऑफर कर रही है तो अब ध्यान देना बॉन्ड जो है इसके अंदर जो ये जो डिबेंचर है अभी क्वेश्चन में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आप ये पता लगा सको कि हाँ बायबैक फिजिबल है कि नहीं है बट स्टिल दो तीन चीज़ें जो ध्यान में रखना है एक चीज जो डिबेंचर आपका है छः रुपये का उस पर सिर्फ इन्वेस्टर दस परसेंट कमा सकता है ये दस परसेंट जो लिखा है यहाँ पे ठीक है वो पैसा वापस लेके इन्वेस्टर के एंगल से देखो वो पैसा वापस लेके अगर इक्विटी खरीद ली जाए उतने की तो उससे 12 परसेंट कमाया जा सकता है राइट तो अच्छी बात है ये चीज बायबैक हो जाना चाहिए क्योंकि 10 परसेंट कमा के कोई मतलब ही नहीं है ठीक है तो इन्वेस्टर तो एक्सेप्ट कर लेगा सर बाय कि यार दस ही कमा रहा हूँ इस पर छः रुपये पर मेरे को दस इंटरेस्ट मिलता है इससे अच्छा ये छः में इक्विटी में डाल दूँ रिस्क बढ़ जाएगा बट रिटर्न भी तो बढ़ रहा है बारह परसेंट का तो एक पॉइंट ये हो गया दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये जो डिबेंचर है आने वाले एक साल में ही मेचोर होने वाले हैं मेचोरिटी भी तो होती है ना इनकी तो अगर मेच्योर एक साल में ही होने वाले हैं तो रहने दो फिर क्यों फालतू में ये टाइम पे ये कर रहे हो गफलत कर रहे हो एक साल में वैसे ही डिबेंचर ख़त्म हो जाने आपको आपका पैसा मिल जाना है लेकिन अगर आपकी मेचोरिटी बहुत दूर है पाँच दस साल बाद मेचोर होने वाले हैं तब तो बायबैक ऑफर ले लो तो आपको मैंने दो चीज़ें बता दी रिटर्न इक्विटी में ज़्यादा है डिवेंचर में कम है तो बायबैक करके डिवेंचर ख़त्म करो इक्विटी में डालो पैसा तो बायबैक लेना चाहिए दूसरा कंडीशन थी कि अगर टाइम टू मेचोरिटी बहुत कम है तो रहने दो तो मत लो बायबैक, मेचोरिटी आने दो तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है आपका तो फिर आपको बाईबैक ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है अब आएगा इसमें मजा क्वेश्चन नंबर थ्री देखो इसमें एक नया हम सीखेंगे आपको इस क्वेश्चन में दो सिक्योरिटीज दी है सिक्योरिटी एल और सिक्योरिटी के और उनके पांच साल के आपको रिटर्न दिए हुए इस क्वेश्चन में ठीक है और पूछा क्या है सिक्योरिटी एल का एवरेज रिटर्न निकालने और रिस्क निकालने नहीं पूछा के का रिटर्न और रिस्क निकालने नहीं पूछा पूछा है रिस्क और रिटर्न निकालने पोर्टफोलियो का तो सबसे पहले आखिरी से ऐसे पीछा हो कि आपको पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए फॉर्मूला कौन सा चाहिए समेशन ऑफ आर आई इन सॉरी वेट आई ठीक है पोर्टफोलियो के लिए सही बात बोल रहा हूँ तो हमें आर चाहिए एल का रिटर्न चाहिए एल का वेट चाहिए एल का प्लस रिटर्न चाहिए के का वेट चाहिए के का अब मेरी बात को ध्यान से सुनो अब इस परपज़ के लिए आपको एल और के का रिटर्न निकालना पड़ेगा अब हम सिर्फ पोर्टफोलियो रिटर्न से किस पर शिफ्ट हो गए इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिटर्न पे इंडिविजुअल सिक्योरिटी में हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं विदाउट प्रोबेबिलिटी विथ प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं है विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला क्या है कि जितने भी रिटर्न दिए उन सब की टोटल करके पाँच से डिवाइड कर दो इन सब की टोटल करके पाँच से डिवाइड कर दो इन सब की टोटल करके पाँच से डिवाइड कर दो आपके दो रिटर्न आ जाएंगे एक आता है सर नाइन और एक आता है एट ये समझ गए आपको चलो तो आपका नाइन आ गया और एट आ गया अब दूसरा सवाल आता है कि वेट क्या ले सर क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं दिया गया है कि एल में कितना इन्वेस्टमेंट करा के में कितना इन्वेस्टमेंट करा जब ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और मिसिंग होती है तब हम इक्वल वेट अज्यूम करते हैं ध्यान देना ये हमेशा आप याद रखोगे ऐसा नहीं कि नहीं दिया तो मैं सॉल्व नहीं करता सर करना है जो कर लो पॉइंट फाइव इक्वल वेट लोगे ऐसे टाइम पे और फिर आगे बढ़ोगे इतना आपको समझ में आया आगे बढ़ें सर आपका पोर्टफोलियो रिटर्न हो गया अब बात करते हैं सर पोर्टफोलियो रिस्क की तो पोर्टफोलियो रिस्क के लिए आपको एक फॉर्मूला लगता है अच्छा जब भी पोर्टफोलियो के रिस्क की बात की जाएगी एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि उस पोर्टफोलियो में कितने असेट्स हैं हमारे क्वेश्चन में जो है वो है दो असेट्स वाला अब दो असेट्स के पोर्टफोलियो के लिए आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे ए प्लस बी होल्स स्क्वेयर वाला ठीक है वो क्या आता है पहले तो ध्यान देना सबसे पहले हम वेरिएंस निकालते हैं वेरिएंस कैसे निकालेंगे वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस टू इन टू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्टैंडर्डिएशन ऑफ बी और फिर आर ए बी ये को कोफिशेंट आगे में एक्स्ट्रा लगता है ये चीज़ का ध्यान देना ठीक है अब आप मुझे एक चीज़ बताओ आपके पास में वेट्स तो आ गए हैं कोई दिक्कत नहीं है बात आती है सिर्फ पाँच तीन फिगर की स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए बी और आर ए बी तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एविएशन की बात करते हैं अब हम वापस आ गए रिस्क ऑफ सिंगल असेट पे। एल का रिस्क कैसे निकालना है के का रिस्क कैसे निकालना है जब भी सिंगल असेट के रिस्क की बात होगी तो हम बोलेंगे सर विदाउट प्रोबेबिलिटी की विथ प्रोबेबिलिटी विथ प्रोबेबिलिटी तो दिख नहीं रहा विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला ले लो सो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी का भी निकालना होगा तो आप क्या करोगे जो डेविएशन आएगा आपका आर माइनस बार आर करके उसकी निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर कर दो उस फिगर को टोटल करके डिवाइडेड बाय एन कर दो और उसके बाद उस फाइनल टोटल को आप स्क्वायर रूट कर दो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ए भी आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन बी भी आ जाएगा ठीक है तो आपने देखना क्या किया यहाँ पे यह आपने डेविएशन लिया ये आपने डेविएशन लिया डेविएशन का स्क्वायर किया और ये आपने टोटल करा फिर दूसरे सिक्योरिटी का डेविएशन उसका स्क्वायर करा और आपने टोटल करा इसी टोटल को पाँच से आप दोनों तरफ से डिवाइड कर दो आपका वेरियंस आ जाएगा अगले पेज पर दिया होगा ये रहा 82 को पाँच से डिवाइड किया 266 को पाँच से डिवाइड किया वेरिएंस आया उसके बाद स्क्वायर रूट डाल के आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया दोनों सिक्योरिटीज का ठीक है अब आपको ये समझ में आ गया अब बात आती है जो हम नया सीखने वाले हैं ये क्वेश्चन मैंने किस पर्पस के लिए लिया अभी तक मैंने जितना भी बताया ये तो आप पहले भी देख चुके हो दोनों क्वेश्चन में लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम नया सीखने वाले हैं वो है सर ये को रिलेशन निकालते कैसे हैं को रिलेशन कोफिशन का मतलब हमने वहाँ पे तो समझाई था हम अब वापस समझेंगे क्या होता है ठीक है अब इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है एक नए कॉन्सेप्ट से जिसको कहा जाता है कोवेरियंस अब ध्यान देना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरियंस इज़ इक्वल टू स्टैंड डविएशन का स्क्वायर बोलते हो आप ठीक है अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जब प्रोबेबिलिटी नहीं होती तब आप कैसे निकालते हो फार्मूला यही वाला फार्मूला देखो मैं वापस रख रहा हूँ हाँ एक चीज़ ज़रूर कर लेना आप यहाँ पर ये यह थोड़ा इसको समेशन कर लेना यहाँ पर ना वो हो गया था क्या कहते हैं प्रिंट नहीं हुआ वो समेशन ठीक है तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे आर आई माइनस बार आर आई का आप स्क्वायर लोगे और उसके बाद उसको सम करोगे डिवाइडेड बाय एन करोगे प्रोबेबिलिटी रही तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा यही है आपका वेरिएंस का फॉर्मूला ठीक है सर अब ध्यान देना अगर दो ही है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं समेशन ऑफ आर आई माइनस बार आर आई इन टू आर आई माइनस बार आर आई डिवाइडेड बाई एन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर यस yes, कोर्स आप ऐसा लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते वो स्क्वायर का मतलब तो वही होता है ना ये जो स्क्वायर है इसका मतलब तो यही होता है तो हमने लिख दिया अब ये होता है एक सिक्योरिटी का एक्स का एक्स के साथ में वेरियंस अगर एल का एल के साथ में निकालते क्योंकि ये एल का ही तो वेरियंस है ना जो भी आया और ये के का वेरियंस है तो एल का एल के साथ के का K के साथ ऐसा होता है अगर हमें इसी चीज़ को कोवेरियंस में अगर डिवाइड करना होगा तो हम क्या करेंगे इसका मतलब एक सिक्योरिटी के दूसरे सिक्योरिटी के साथ मिला के रिस्क कितना है ये तो रिस्क हो गया खुद का खुद के साथ ये भी हो गया खुद का ही रिस्क यानी खुद के साथ अगर मैं बोलूं एल का K के साथ मिला के रिस्क निकालना है को वेरियंस हाँ मैं स्टैंडर्ड डिविशन की बात नहीं वो तो पोर्टफोलियो हो गया मैं वेरिएंस की बात कर रहा हूं अगर वेरिएंस निकालना है तो क्या मतलब हो गया बहुत सिंपल सर अगर एल का के के साथ निकालना है तो ये पहले वाले ब्रैकेट में आई जो है उसके जगह एल रख दो दूसरे ब्रैकेट में के रख दो तो आपका फॉर्मूला बन जाता है समेशन ऑफ आर एल माइनस बार आर एल इंटू आर के माइनस बार आर के डिवाइडेड बाय एन ये आपका बन गया कोवेरियंस दोनों को अगर एक पोर्टफोलियो में डालोगे तो उन दोनों का जो रिस्क आएगा वो इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है अब यही फार्मूला आपका रिपीट होता है इस्ट। अगर आप यहां पे फार्मूला बुक ओपन करोगे तो देखते हैं कहाँ लिखा है हमने ध्यान देन देना कोवेरियंस ये पेज नंबर आपको ट्वेंटी नाइन पे मिलेगा आर एक्स माइनस बार आर एक्स मल्टीप्लाइड बाय आर वाई माइनस बार आर वाई और उनका समेशन डिवाइडेड बाय एन आपको समझ आ रहा है ना कि ये क्या है एक्स वाई का निकाल रहे हो इसलिए अलग अलग लिखा है अगर ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स होता तो आप क्या करते दोनों जगह एक्स एक्स रखते और फिर वो स्क्वायर हो जाता तो अल्टीमेटली फार्मूला आर एक्स माइनस बार आर एक्स डिवाइडेड बाय एन दिखता वही तो फार्मूला है उसी फार्मूले को बस हमने एक्सपैंड कर दिया और कुछ नहीं कोवेरियंस का फार्मूला समझ में आ गया अब कोवेरियंस के फॉर्मूले से ही हम निकालेंगे को रिलेशन कोफिशंट अब को क्या बोलता है ध्यान देना अच्छा यहाँ पे नहीं ये हम को रिलेशन पर जाते हैं ये तो कोवेरियंस हो गया कोवेरियंस का एक और ये फॉर्मूला है ये अपने को आगे आएगा तो अभी छोड़ देते हैं अब आते हैं सर को रिलेशन कोइफिशंट थोड़ा ध्यान देना को रिलेशन का फॉर्मूला है जो कोवेरियंस आपने अभी अभी निकाला और उन दोनों सिक्योरिटीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट एक तरह से देखो तो नीचे भी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डविएशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जब स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होता है उसको हम स्टैंडर्ड एवियेन इनटू स्टैंडर्ड डिशन ही लिखते हैं लेकिन ध्यान देना स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर एक्स वाई लिखूँगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीन ऑफ वाई तो एक तरह से ये वेरियंस ही तो हुआ ना तो इसका भी मतलब क्या हो गया वेरियंस अगर ये स्क्वायर वेरिएंस है तो ये भी हो गया वेरिएंस ठीक है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर पर भी हमने क्या लिया वेरिएंस ही लिया एक तरह से एक्स एक वाई का तो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो न्यूमरेटर में जो है वो है वेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी को वेरियंस ऑफ एक्स वाई डिनोमिनेटर में भी जो है वो भी वेरियंस ऑफ एक्स वाई सर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिगर सेम है कॉन्सेप्ट सेम है तो क्या मतलब निकला ये फॉर्मूला बनाने का एग्जैक्टली exactly. अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का मान लो पांच परसेंट है और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का मान लो छः परसेंट है ठीक है तो डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे पांच इंटू छः करोगे तो तीस परसेंट आ गया मान लो तीस परसेंट ले लो या जो भी लेना है लेकिन कोवेरियंस अगर दोनों का निकालते एक्चुअल में उस फार्मूले से जो अभी हमने देखा और उससे अगर कोवेरियंस ध्यान देना हाँ उससे अगर कोवेरियंस 24 आता तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप थोड़ी बात को ध्यान देना दोनों को एक ही पोर्टफोलियो में मैं रखूं तो मेरा रिस्क 24 हो जाता है बट अगर मैं दोनों का अलग अलग रिस्क देखूं तो मिला के थर्टी होता है अलग अलग रिस्क कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया इस साल शायद एक्स में इन्वेस्ट करा उस साल वाई में इन्वेस्ट करा मैंने एक्स में करा आपने वाई में करा तो ऐसे में दोनों का मिला के जो रिस्क हुआ वो थर्टी का हुआ को रिलेशन ये बताता है कि अलग अलग रिस्क के मुकाबले पोर्टफोलियो बना के अगर आप रिस्क निकालते तो वो कम आ रहा है तीस के मुकाबले चौबीस की जो फिगर है वो कम है थर्टी डिव थर्टी के कंपैरिजन में आपका जो रिस्क है वो ट्वेंटी फोर आ रहा है ध्यान देना कभी भी थर्टी से ऊपर नहीं जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर जो है वो थर्टी डिनोमिनेटर से ऊपर नहीं जाएगा आपको ऐसा नहीं मिलेगा पचास बाय थर्टी नहीं बिल्कुल नहीं मिला के जो रिस्क होता है जो एक पोर्टफोलियो में मिला के जो रिस्क है वो इंडिविजुअल रिस्क से ज्यादा हो ही नहीं सकता जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि आ, अगर एक आम यहां रखा है एक आम यहां रखा है ठीक है ये खराब हो जाएगा ये भी खराब हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा जो बुरा होएगा मैं रिस्क की बात कर रहा हूं ना तो खराब ही हो जाएगा खराब ही हो जाएगा अब दोनों को एक साथ रख दो तो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा दोनों खराब हो जाएंगे खराब होने से ज्यादा और हो ही क्या सकता है उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होएगा तो न्यूमरेटर भी थर्टी से ज्यादा नहीं आएगा सर आएगा थर्टी भी आ सकता है जब कोई फायदा ही नहीं होएगा पोर्टफोलियो बना के रिस्क कम होगा ही नहीं तब वो थर्टी आएगा बट अगर आपको कोरिलेशन रिलेशन में अगली बार अगर ऐसे फिगर दिखता है 24 फोर बाय थर्टी तो उसको पहचानो कि क्या है इसका मतलब जिसका भी आप कोवेरियंस निकाल रहे हो उन दोनों का अलग अलग मिला के रिस्क 30 होता है अब आप, आप बोल रहे हो सर अलग अलग भी मिला के भी बोलने का मतलब है अलग अलग देखो रिस्क और टोटल करो तो थर्टी लेकिन पोर्टफोलियो बना लोगे दोनों का दोनों में इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो एक्चुअल में रिस्क कम होकर ट्वेंटी फोर रह जाएगा और इसका आंसर आता है पॉइंट एट जीरो अब ये पॉइंट एट जीरो को भी समझो पॉइंट एट जीरो का क्या मतलब होता है बेस फिगर हो गई वन जैसे ही आपने डिवाइड करा कि अगर रिस्क एक रुपए का अलग अलग आता है दोनों का मिला के अलग अलग है ना तो पोर्टफोलियो बना के रिस्क पॉइंट एट जीरो का ही आ रहा है इसका मतलब रिस्क कम हो गया रिस्क कब कम नहीं होता जब कोरिलेशन रिलेशन को वन आता है वन कब आएगा जब थर्टी बाय थर्टी आएगा तो वन आ जाएगा कि सर अलग अलग भी देखा तो भी रिस्क तीस है साथ में देख रहा हूं पोर्टफोलियो में तो भी रिस्क तीस ही आ रहा है इसका मतलब को रिलेशन कोइफिशेंट है इसका मतलब पोर्टफोलियो बना के कोई फायदा नहीं रिस्क कम हुआ ही नहीं कम होगा तब तो मजा है कोरिलेशन रिलेशन की जो रेंज है ना ये मैक्सिमम इतनी होती है सर माइनस वन जीरो और प्लस वन ये प्लस वन से ऊपर जाएगा नहीं माइनस वन के नीचे जाएगा नहीं इतना कंफर्म है और सिर्फ और सिर्फ रिस्क जहां कम नहीं हो सकता वो है सर प्लस वन इसके अलावा कहीं पे भी रहे उस टाइमलाइन पे रिस्क धीरे धीरे कम होते जाता है रिस्क यहां से देखो धीरे 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 कम होता जाएगा जैसे जैसे ग्राफ इधर जाता जाएगा और माइनस वन ऐसी सिचुएशन है अगर कोरिलेशन को इफिशियंट माइनस वन है इसका मतलब रिस्क आपका सबसे कम होता है सबसे कम रिस्क और सबसे ज्यादा रिस्क के वो पॉइंट हो गए आपको समझ आया कोरिलेशन को क्या है ये जो कोफिशियंट है कोइफिशियंट का मतलब ही होता है एक बेसिक नंबर एज अगेंस्ट द रिस्क सो एक रुपए का रिस्क अलग अलग अगर है तो पॉइंट एट जीरो बताता है कि हमने मिला के रिस्क कम कर लिया कितना कम करा एक से पॉइंट एट जीरो पे आ गए तो पॉइंट टू जीरो जितना कम कर लिया ठीक है अब इस क्वेश्चन में हमें आगे और डिस्कशन होगा सर इसी चीज का अब इस क्वेश्चन में भी हमें इस फॉर्मूला में आर चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल लिया को आर चाहिए था आर के लिए हमें आर का फॉर्मूला क्या है आर ए बी इज इक्वल टू को वेरियंस ऑफ ए बी जो एक्चुअल रिस्क है और अलग अलग रिस्क अलग एक्चुअल वेरियंस अलग अलग वेरियंट्स एक्चुअल वेरियंस अलग अलग वेरियंस जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो वेरियंस हो ही जा रहा है ठीक है हाँ तो अब ध्यान देना तो अभी हमने को वेरियंस निकालना है को वेरियंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हुआ सर दोनों सिक्योरिटीज के जो रिटर्न्स का डेविएशन है उसको मल्टीप्लाई करके आप टोटल करोगे तो देखना एक डेविएशन तो यह है एल का एक डेविएशन है के का तो वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री आया माइनस फाइव को माइनस फोर्टीन से मल्टीप्लाई करो सेवेंटी आ गया माइनस माइनस साइन चला गया तो ये आ गया डेविएशन इन डेविएशन की टोटल आ गई एटी नाइन और ये आ गया आपका एटी नाइन बाई फाइव आपका कोवेरियंस ठीक है अब को आ गया आप को रिलेशन को इफिशियंट निकाल सकते हो इनफैक्ट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ अगर आप इतना पार्ट अगर देखोगे आर ए बी इंटू स्टैंडर्ड इवेशन ऑफ ए स्टैंडर्डेशन ऑफ बी तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ बी यानी इतना पार्ट आप रिप्लेस करके डायरेक्ट को ऑफ ए बी लिख सकते हो वहाँ पर एटी नाइन की जो फिगर आई है आप आर ए बी निकाल के लिखो तो भी आंसर सेम है कोवेरियंस भी लो लोगे तो भी आंसर सेम है ध्यान देना ये आप देखना यह है वेट ऑफ ए स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर ए यानी कि एल यह है वेट ऑफ के स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के स्क्वायर टू इन वेट ऑफ एल वेट ऑफ के और ये पूरा का पूरा कोवेरियंस ऑफ एल के है ये इसकी जगह क्या था अपना डेविएशन ऑफ एल डेविएशन ऑफ के और आर एल के ऐसा था उन्होंने पूरा कोवेरियंस लिख दिया आर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी अच्छा इस क्वेश्चन में अगर हम आर निकाले तो क्या आता है देख लो थोड़ा हम हम भी तो सीखे ना सेवनटीन कोवेरियंस ऑफ एल के बाय स्टैंडर्ड स्टैंड ऑफ एल स्टैंड ऑफ के तो सेवनटीन पॉइंट एट डिवाइड बाई फोर पॉइंट जीरो फाइव मल्टीप्लाइड सेवन पॉइंट टू नाइन तो यह आता है सर सेवनटीन पॉइंट एट डिवाइडेड बाय ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव टू पॉइंट सिक्स ज़ीरो समझो बात को दोनों का अलग अलग रिस्क वेरिएंस देखोगे तो ट्वेंटी नाइन तक जाता है दोनों का पोर्टफोलियो बना लोगे तो सत्रह तक आ जाएगा तो रिस्क कम हुआ कि नहीं हुआ ये रहा पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स क्या दर्शाता है कि एक एक से सीधा आपने रिस्क पॉइंट सिक्स पर लेके आ गए इतना कम कर लिया है रिस्क को फोर्टी परसेंट तक रिस्क कम हो गया फोर्टी परसेंट तक तो बस वही बात है यहाँ पे सेवनटीन पॉइंट एट का इस्तेमाल अब आप आ रए भी, भी रखते तो भी आंसर वही आता ठीक है यहां हमने एक और नई चीज सीखी सर कि कोवेरियंस का मतलब क्या होता है कैसे निकालते हैं और कोरिलेशन कोफिशन का क्या मतलब होता है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फोर देखने दो कुछ नया है क्या नहीं तो फिर वापस वही 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 यहां तो कोरिलेशन कोइफिशन भी दिया है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर आप ले लोगे होमवर्क देखो वापस से आपको क्या है अभी इसका छः सात साल का दिया हुआ है रिटर्न इसमें सिर्फ एक पंगा है कि यहाँ पे मार्केट में प्राइसेज दी हुई है शेयर की प्राइसेज दी हुई है और आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है कि परचेस प्राइस क्या लिखनी है यानी कि पी ज़ीरो क्या लेनी है आपको तो प्राइसेज दी है पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा था पी वन माइनस पी ज़ीरो करा था डिवाइडेड बाई पी जीरो तो यहाँ पे पी जीरो अलग से नहीं दिया है तो आप पहले साल के जो प्राइसेस है उसको पी जीरो मानोगे तो आपका पहला रिटर्न 2013-14 का निकलेगा फिर 14-15 का निकलेगा 15-16 का निकलेगा 16-17 का निकलेगा हर साल के रिटर्न के लिए उसके पिछले साल की फिगर आपको ओपनिंग माननी पड़ेगी जैसे इन दोनों के बीच का रिटर्न निकालोगे डिवाइडेड बाय 19.60 करोगे फिर आप क्या करोगे अगले साल 18.75 और इन दोनों के बीच रिटर्न निकालोगे और फिर एटीन से डिवाइड करोगे तो ओपनिंग वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और इस तरह से छः साल का रिटर्न निकलेगा पहले साल का तो रिटर्न निकलेगा ही नहीं 2014, 15, 16, 17, 18, 19 अठारह छः साल का रिटर्न निकलेगा चारों का देखो अब इन्होंने क्या कराया सीधा सीधा 19.60 पॉइंट और एटीन पॉइंट का डिफरेंस लिया डिवाइडेड बाय 19.60 किया आपका डायरेक्ट परसेंटेज में रिटर्न आ गया वैसे ही 18.75 और 33 के बीच के डिफरेंस को लेके 18 से डिवाइड करोगे तो आपका डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगा सेकेंड ईयर का इस तरह से आप देख सकते हो 2014 से ही रिटर्न दिया है पहले का तो रिटर्न है ही नहीं मिलेगा ही नहीं आपको तो अब छः साल ही पकड़ना है आपको परसेंटेज आ गया दोनों का बी का भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है बाकी सारा का सारा इसी क्वेश्चन जैसा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थ्री देखा था रिस्क और रिटर्न निकालोगे सबसे पहले तो आप सिंगल सिक्योरिटी के ए और बी का विदाउट प्रोबेबिलिटी है तो विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है टोटल करके डिवाइडेड बाय सिक्स कर दो तो रिटर्न आ जाएगा और फिर डेविएशन लेके टोटल करके डिवाइडेड बाय सिक्स करोगे तो रिस्क आ जाएगा वेरियंस स्क्वायर रूट करने के बाद इसके बाद उन्होंने बोला कि सेम रिस्क और रिटर्न निकालना है लेकिन इस बार पोर्टफोलियो का निकालना है जिसका कोरिलेशन रिलेशन नहीं जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 60 40 के रेशियो में 60 परसेंट ए में 40 परसेंट बी में अब इस चीज़ के लिए आपको पता है कोवेरियंस की भी जरूरत है क्योंकि को रिलेशन लगता है अब कोवेरियंस के लिए ये जो डेविएशन आपने निकाला है ए का और बी का यानी कि ये फिगर और ये फिगर मल्टीप्लाई होके आएगी सर यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लोगे उसके बाद कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था कि दोनों के डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एन करोगे समेशन करने के बाद तो ये देखो ये टोटल आपने कर ली इन्होंने हाँ ये टोटल कर ली नाइन्टी इसको डिवाइडेड बाई सिक्स करो तो आपका कोवेरियंस आ गया सेम उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था ठीक है तो उससे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा रिटर्न भी आ जाएगा कौन सी अपॉर्चुनिटी बेटर है अब आपको यहाँ पे दिखाना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी बेटर है ध्यान देना ए का रिटर्न आ रहा है बत्तीस परसेंट बी का रिटर्न आ रहा है चौबीस परसेंट फिर पोर्टफोलियो नहीं 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 ए का रिटर्न आ रहा है फोर्टीन परसेंट बी का रिटर्न आ रहा है सोलह परसेंट और रिस्क है ये इसको मैंने बोल्ड नहीं करा रिस्क जो है थर्टी टू ट्वेंटी फोर अब अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा तो पोर्टफोलियो का भी रिटर्न देखो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है फोर्टीन पॉइंट एट सेवन है और रिस्क जो है वो ट्वेंटी वन पॉइंट फोर एट है अब आप रिटर्न के एंगल से देखो तो ए का रिटर्न है फोर्टीन परसेंट बी का रिटर्न है सिक्सटीन पॉइंट वन नाइन परसेंट और पोर्टफोलियो का रिटर्न है फोर्टीन पॉइंट एट सेवन परसेंट रिटर्न के एंगल से तो हमने सिर्फ बी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि बी का सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहा है बट अगर आप रिस्क के एंगल से देखोगे तो ए का 32, बी का 24, लेकिन दोनों का मिला के पोर्टफोलियो जो बनाया उसका 21. वन so, सो रिस्क के एंगल से तो पोर्टफोलियो बनाना बेनिफिशियल है यही लिखा है रिटर्न के एंगल से बी रिस्क के एंगल से पोर्टफोलियो आया समझ में ये चीज ठीक है सर अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें मज़ा आएगा जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम वन माइनस वन जीरो रखेंगे इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर्मूला को छोटा कर सकते हैं आइए आइए सर क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है आपको दोनों सिक्योरिटीज़ के स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं चालीस और बीस दोनों सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कितना करना है चालीस और साठ परसेंट वो भी दिया हुआ है और आपको हर बार क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो है इसको तीन बार निकालना है जब कोरिलेशन रिलेशन वन माइनस वन और ज़ीरो दिया हो अब आप नोटिस करना आपको जो बेसिक फॉर्मूला है वो है सर आपने यहां लिख लिया स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन ऑफ ए वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन ऑफ बी वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू वेट ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन ऑफ ए स्टैंडर्डाइवेशन ऑफ बी आर ए बी ठीक है सर अब आप ध्यान देना अगर वही आर ए बी यानी को रिलेशन को अगर आप वन रख दो तो इट इज़ एज गुड एज मल्टीप्लाइंग विथ नथिंग एक से मल्टीप्लाई करने भी आंसर उतना ही आता है नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा तो अगर ये मैं हटा ही दूं वन लिखने के बजाय तो पूरा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एग्जैक्ट वो जो एक्स्ट्रा लगाया था वो तो हट गया यानी कि मैं वापस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए बी स्क्वायेयर लिख सकता हूँ और स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से हट गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज नथिंग बट ए यानी कि वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्लस बी यानी कि वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ़ बी यानी कि बहुत सिंपल सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि जब भी कोरिलेशन कोइफिशंट वन रहेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी ही फॉर्मूला होगा इतने बड़े फॉर्मूले से भी आंसर वही आएगा और इतने से से भी आंसर वही आएगा क्योंकि ये वन यहां से हट गया अब इसी तरह से अगर हम माइनस वन लेते हैं तो क्या होगा सर एग्जैक्ट वही चीज होगी जो इस केस में हुआ सिर्फ माइनस साइन जो है बाहर वाला वो अंदर आके भी माइनस साइन में तब्दील हो जाएगा यानी कि अगर आप यहां पे ध्यान देना यहाँ पे माइनस वन रखते हो तो वो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा इस पे पड़ेगा ये वाले प्लस पे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी ऐसा कौन सा फॉर्मूला था सर उसका कन्वर्जन हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी तो अब आप उससे सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा तो अगर हमें कुछ सीखने मिल रहा है फॉर्मूला छोटा करने मिल रहा है एग्जाम में टाइम बचाने मिल रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे सर जीरो रखोगे तो क्या होगा ध्यान देना इस फॉर्मूले में आप आर ए बी को जीरो रख दो कोई भी फिगर जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो ये पूरा पार्ट आपका कट जाएगा जीरो हो गया तो आपका वेरिएंस बन गया ये वाला फॉर्मूला और स्क्वायर रूट डालोगे तो यही बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इससे छोटा अब और नहीं होगा तो आप लिखोगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियन ऑफ ए वेट ऑफ़ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन ऑफ बी वेट ऑफ बी का स्क्वायर और उसको डाल दोगे स्क्वायर रूट तो ये तीन फॉर्मूले हो जाते हैं इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस सिर्फ इतना सा है आपको बताना कि सर जब कोरिलेशन को इफिशेंट वन होता है तब फॉर्मूला छोटा होके इतना हो जाएगा माइनस वन होगा तब छोटा होके उतना हो जाएगा प्लस और जीरो रहेगा तब इतना हो जाएगा ठीक है ये एक चीज़ समझी आपने अब हम एक और अब हम आगे बढ़ते हैं ध्यान देना यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जब R1 लिया तो आप ये वाली मेथड फॉलो करो सर इससे काफ़ी जल्दी आपका आंसर आता है यहाँ से सिर्फ इतना ही लिखना है आपने एग्ज़ाम में सिर्फ इतना बाकी तो सारा देखो ये पहले एक तरीका था फिर अल्टरनेटिव लिया फार्मूले को छोटा करके दिखाया यहाँ तक और वो यहाँ तक आ गया कहानी ख़त्म वैसे ही आप अगर ये लिखा लोगे तो आपको यहाँ से ले कर यहाँ तक लिखना है एग्ज़ाम में लिखने वाला एरिया मैंने मार्क करके रख दिया बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है सारा का सारा इसके बाद ये तो पूरा ही है ठीक है बाकी तो आप निकाल लोगे स्टैंडर्ड डिविजन का मतलब भी आपको पता है कि रिस्क होता है ये क्या होता है सर जो अभी आपको साल भर में रिटर्न मिलने वाला है जो भी आपको साल भर में रिटर्न मिलने वाला है लेट से पंद्रह परसेंट मिलने वाला है और रिस्क बीस परसेंट आ रहा है इसका मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो बीस परसेंट से ऊपर भी जा सकता है यानी कि आपका रिटर्न पैंतीस परसेंट तक कुछ भी हो सकता है और नीचे भी जा सकता है यानी कि माइनस पाँच पंद्रह में से बीस माइनस कर दो तो आपका जो एक्चुअल में रिटर्न रहेगा वो इस रेंज के अंदर में रहेगा कुछ भी हो सकता है इस रेंज के अंदर में माइनस पाँच से लेकर थर्टी फाइव परसेंट तक ठीक है क्वेश्चन नंबर छः पे आते हैं सर काफ़ी अच्छा और आसान सा क्वेश्चन है आपको छह सिक्योरिटीज़ दिए थोड़ा दिमाग खाली रखना पिछले क्वेश्चन से और अब इस पे ध्यान देना छह सिक्योरिटीज़ दिए और उन्होंने बोला है कि कोई भी तीन सिक्योरिटीज़ को चूज़ करना है आपको ठीक है तो पहले बताओ कौन से तीन सिक्योरिटीज़ को चूज़ करोगे अब थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिक्योरिटी ए में जो रिटर्न है वो है आठ का और रिस्क है चार परसेंट का ठीक है ए को वैसा का वैसे ही रहने दो थोड़ा किसी से कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा कौन सा चूज़ करना है तो ए को बी से कंपेयर करते हैं ए को बी से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि यार आठ परसेंट का रिटर्न तो दोनों ही सिक्योरिटी दे रही है लेकिन बी में रिस्क ज़्यादा है अब आप बताओ अगर सेम रिटर्न मुझे आठ परसेंट का चार परसेंट रिस्क पे मिल सकता है तो मैं पाँच परसेंट का रिस्क क्यों उठाऊंगा बी में इन्वेस्ट करने के लिए तो जो भी इन्वेस्टर इसमें जाएगा या तो वो आठ परसेंट के रिटर्न के लिए जा रहा होगा या तो पांच परसेंट के रिस्क के लिए जा रहा होगा अगर वो आठ परसेंट के रिटर्न के लिए जा रहा तो मैं बोलूंगा भाई उतना तो तेरे को यहां पे भी मिल जाएगा कम रिस्क में तो यहां आ जा तो मैं बी वालों को यहां पे खींच लूंगा नॉर्मली देखा जाए तो सिक्योरिटी ए जो है वो बी को डोमिनेट कर रही है विथ सेम लेवल ऑफ रिटर्न एंड लोअर रिस्क तो ए इज डोमिनेटिंग बी तो बी कैंसिल हो गया कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जब भी कोई कि कोई इन्वेस्टर बी में इन्वेस्ट करना चूज़ करेगा जो भी बी में इन्वेस्ट करने जाएगा उसको मैं बोलूँगा भाई सेम तेरे को जो रिटर्न उधर मिल रहा है वो यहाँ पे भी मिल रहा है तो तू रिस्क ज़्यादा क्यों उठा रहा है उधर इन्वेस्ट करके यहाँ कम रिस्क में काम हो जाएगा यहाँ इन्वेस्ट करो तो एवरी विल कम टू ए अब उसके बाद सी पे ध्यान देन देना ए और सी को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि यार सी में रिटर्न भी ज़्यादा है रिस्क भी ज़्यादा है कंपेरेटिव मत निकालो लेकिन हाँ ठीक है कुछ कुछ लोग होते हैं अब आप बोलोगे सर कि यार रिटर्न तो चार ही परसेंट ज़्यादा है लेकिन रिस्क आठ परसेंट ज़्यादा है तो मैं नहीं लेता सी को ऐसा नहीं है सर चार परसेंट के एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए कोई अगर बंदा रिस्क आठ परसेंट का लेने तैयार है तो है कोई दिक्कत नहीं है होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो रिस्क ज़्यादा उठाते हैं कंपेरेटिवली बट रिटर्न भी तो ज़्यादा ही मिल रहा है ना कम नहीं मिल रहा सौ करोड़ का अगर कोई चार करोड़ बना सकता है तो क्या दिक्कत है ठीक है तो ऐसे केस में C को भी A डोमिनेट नहीं कर रहा ना A को C डोमिनेट कर रहा है ना C को A डोमिनेट कर रहा है यानी दोनों सिक्योरिटीज़ के लिए इन्वेस्टर मार्केट में मिल जाएंगे मतलब ये होता है कि कुछ लोग ए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ लोग सी में भी इन्वेस्ट करते हैं अब आते हैं डी पे डी में देखना जो फिगर्स है चार और चार परसेंट की रिटर्न और रिस्क की वो हम ए से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ए और डी में एक चीज़ कॉमन है वो है रिस्क ए और डी में एक चीज़ कॉमन है वो है रिस्क रिस्क दोनों में सेम है तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कोई भी डी में इन्वेस्ट करने जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा भाई तेरे को चार परसेंट का रिस्क तो इधर भी मिल जाएगा तो कम रिटर्न में सेटिस्फाई कैसे हो सकता है जब तेरे को उतने ही रिस्क में मैं ज़्यादा रिटर्न ए में दिलवा रहा हूँ तो तू तो डी में क्यों जा रहा है तो ए डी को भी डोमिनेट कर रहा है और डी एलिमिनेट हो जाएगा यानी कि कोई भी ऐसा किस्सा या सिचुएशन नहीं आएगी कि कोई बंदा डी में इन्वेस्ट करना चाहेगा जब उसको ए की फिगर क्लियर क्लियर पता होगी अब ई पे आते हैं अब आप देखना ई का रिटर्न ए से ज़्यादा है एक परसेंट और रिस्क भी एक परसेंट ई का ज़्यादा है तो ठीक है रिटर्न भी ज़्यादा है रिस्क भी ज़्यादा है हायर द रिटर्न हायर द रिस्क तो उसके लिए भी इन्वेस्टर मिल जाएंगे सी से भी कंपेयर करोगे तो रिटर्न कम है रिस्क कम है तो ठीक है उसके लिए भी इन्वेस्टर मिल जाएंगे कम रिटर्न वाले भी एक्सेप्ट करने वाले कम रिस्क में तो ई e को भी कोई डोमिनेट नहीं कर रहा किसी भी सिचुएशन में एफ़ को देखना एफ़ को अगर आप देखोगे तो रिटर्न के केस में ए डोमिनेट कर रहा है फिर से रिटर्न आठ आठ परसेंट का ही है तो आप बताओ एफ़ में छः परसेंट का रिस्क लेने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है बात आ रही है बराबर समझ में तो एफ में छः परसेंट का रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता एफ़ की जगह हम बोलेंगे कि यार ए में इन्वेस्टमेंट कर लो क्यों फालतू में वहाँ पर जा रहे हो तो हम उसको ए में इन्वेस्टमेंट करवा देंगे सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ए डोमिनेट करता है बी को डी को और एफ को तो ये बी डी एफ एलिमिनेट हो जाते हैं और आखिरी में जो बचता है जो सिलेक्ट किया जाएगा वो है ए सी और ई e. ठीक है आ जाओ यहां पे यहां पे ए सी ई आपको समझ में आया ना क्या हो गया आप देखना क्या किस्सा है और लिखेंगे क्या सर एग्जाम में बी डोमिनेट होता है बिकॉज ऑफ द सेम रिटर्न इन ए बट लेसर रिस्क इन ए और डी के, के केस में क्या है सेम रिस्क ए में उठाना पड़ रहा है बट ए में रिटर्न हायर है और इस केस में भी एफ के केस में भी यही वाला है सेम रिटर्न बट लेसर रिस्क इन सब रीज़न की वजह से बी डी और एफ में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा अब दूसरा पार्ट देखना अज्यूम करो परफेक्ट कोरिलेशन क्वेश्चन ने क्लियर क्लियर नहीं बोला कि परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है कि निगेटिवली कोरिलेटेड अब ध्यान देना मेरे बोलने का मतलब ये जो अभी हमने हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा ना इस चीज़ को बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन प्लस वन यह है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन परफेक्ट का मतलब प्लस वन और परफेक्टली नेगेटिव का मतलब माइनस वन और अनकोरिलेटेड का मतलब जीरो जीरो रिस्क आप फॉर्मूला बुक में आओ मैं बताता हूं यह देखो यह हमारा पॉइंट है रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ टू सिक्योरिटीज इसी फॉर्मूले को पेज नंबर आप सत्ताइस पे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने ये चीज़ें अभी अभी कवर करी है कि अगर वन होता है तो उसे हम परफेक्टली पॉजिटिवली को कहते हैं उसका फॉर्मूला वेटेड एवरेज ऑफ द रिस्क बन जाता है सिंपल वेटेड एवरेज निगेटिवली को होता है तो वो भी वेटेड एवरेज निगेटिव में मतलब माइनस हो जाएगा डिफरेंस और ये अनकोरिलेटेड ठीक है एक और चीज़ ध्यान देना कि कोई भी सिक्योरिटी का जो रिस्क है उसका कोरिलेशन को है उसका रेंज इतना ही होता है माइनस वन जीरो और वन प्लस वन ना इसके इधर जाएगा ना उसके इधर जाएगा और ध्यान देना को रिलेशन कोफिशियंट आता कहां से है कि दोनों का मिला के रिस्क कितना हो रहा है और अलग अलग से वेरियंस कितना था और अगर वो सौ बाय सौ आ रहा है इसका मतलब कोई रिस्क कम हुआ क्या नहीं हुआ अलग से भी लेते तो सौ का है और मिला के भी ले रहे हो तो भी सौ का है तो को रिलेशन कोइफिशंट जब वन आता है सौ बाय सौ इसका मतलब अगर मेरा आर यहां पर है तो कोई भी रिस्क रिड्यूस नहीं होता रिस्क रिडक्शन Not possible, ये लिख देता मैं पे समझ में रिस्क रिडक्शन आर वन होने पे कभी पॉसिबल नहीं होता अब वो है वो पॉइंट जहां पे रिस्क रिडक्शन पॉसिबल नहीं है उस पॉइंट से इधर कितना भी आते जाओ जैसे जैसे आते जाओगे वैसे वैसे रिस्क बहुत ज्यादा रिड्यूस होने लग जाएगा अब एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं अगर आपका आर यहां पर है तो आपने थोड़ा रिस्क पोर्टफोलियो का कम कर लिया आर अगर यहाँ पे आ गया यानी आपने बहुत सारा रिस्क कम कर लिया और अगर माइनस पे आ गया आर वन आर जो है ये माइनस वन आ गया आपका इसका मतलब आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है उसमें रिस्क सबसे सबसे कम है मतलब जितना कम हो सकता था रिस्क उतना कम रिस्क उसमें इन्वॉल्व है माइनस वन जब आता है तो जैसे जैसे आप इधर आते जाते हो वैसे वैसे आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलने लग जाता है पोर्टफोलियो बनाने का फायदा मिलने लग जाता है क्योंकि रिस्क कम होने लग जाता है और जितना उधर रहोगे प्लस वन की तरफ उतना आपका ऐसा रहेगा कि पोर्टफोलियो नहीं भी बनाते तो भी इतना ही रिस्क रहता ठीक है अब आ जाऊँ वापस ये वाला क्वेश्चन देखो अब क्वेश्चन बोलते हैं अज्यूम करो परफेक्ट को रिलेशन कहाँ से अज्यूम कर ले सर कि परफेक्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है कुछ तो बताओ जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता ना कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है तो हम प्लस वन ही अज्यूम करेंगे यानी कि पॉजिटिव ही अज्यूम करेंगे इसका भी एक रीज़न बताता हूँ मैं बहुत ही स्टैंडर्ड सा रीज़न है अगर मैं आपको पाँच कदम चलने बोलूँ तो आप क्या करोगे टक टक, टक 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 पाँच कदम चलोगे बराबर है आप कहाँ चले पता है सामने चले मैंने तो बोला ही नहीं पाँच कदम सामने चलना है कि पीछे चलना है तो आप पाँच कदम पीछे क्यों नहीं चले क्योंकि सर नॉर्मल टेंडेंसी है मार्केट में मतलब हमें बचपन से यही सिखाया गया चलना है तो आगे चलना है आई बात समझ में सेम चीज़ यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताएगा तो नॉर्मल टेंडेंसी है उसको प्लस वन मानेंगे माइनस वन नहीं मानेंगे ठीक है ओके दिखाना कभी पांच कदम पीछे चल के शो वेदर इट इज़ प्रिफरेबल टू इन्वेस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट इन ए एंड ट्वेंटी फाइव इन सी और टू इन्वेस्ट हंड्रेड इन ए क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है और ये वो आपको पूछता है कि देखो या तो हम पोर्टफोलियो बना ले ए सी का और या तो फिर हम ई e में इन्वेस्टमेंट कर दें आप बताओ कैसे करना है बहुत सिंपल सी बात है सर आप पोर्टफोलियो का रिटर्न पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल लो और उसको ई e के रिटर्न और रिस्क से मल्टीप्लाई कंपेयर कर लो जिसमें भी रिटर्न ज़्यादा रिस्क कम होगा वो हम चूज़ कर लेंगे अब रिटर्न निकालना है तो वेटेड एवरेज और इनफैक्ट ध्यान देना परफेक्ट कोरिलेशन होने के वजह से रिस्क का फॉर्मूला भी आपका छोटा हो जाता है वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन ऑफ बी यानी ये भी वेटेड एवरेज तो परफेक्ट कोरिलेशन वन होने के टाइम पे वेटेड एवरेज से रिटर्न रिस्क दोनों निकाला जा सकता है अब ए का रिटर्न देखना आठ परसेंट सी का है बारह परसेंट हम रिटर्न पे आते हैं रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आठ परसेंट इंटू कितना इन्वेस्टमेंट है पॉइंट सेवन फाइव पचहत्तर परसेंट बारह इंटू पॉइंट टू फाइव तो ये हो गया आपका छ और आठ पचहत्तर यानी कि छः परसेंट और ये तीन यानी कि नौ परसेंट रिटर्न हो गया आपका पोर्टफोलियो का नौ परसेंट अब आते हैं रिस्क पे ये भी वेटेड एवरेज है क्योंकि परफेक्ट को है तो चार इंटू पॉइंट सेवन फाइव प्लस ये बारह इंटू पॉइंट टू फाइव तीन प्लस तीन, तीन छ ध्यान देना अब अगर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न पाते हो 9 परसेंट का रिस्क पाते हो छसेंट का उठाना पड़ेगा वही अगर आपने 100 परसेंट ई e में डाला होता तो रिटर्न 9 परसेंट का और रिस्क 5 परसेंट का आप बताओ कौन से सिलेक्ट करोगे सर हम सिक्योरिटी ई e को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज पोर्टफोलियो में भी रिटर्न सेम है लेकिन रिस्क ज्यादा है वहाँ ही ई e में देखोगे तो नौ रिटर्न तो ई e में मिल ही रहा है जितना पोर्टफोलियो दे रहा था लेकिन रिस्क कम है तो विल गो ई ये समझा आपको ई e क्यों प्रीफर कर रहे हैं ठीक है सर काफी आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं उसमें भी सिर्फ आखिरी वाला पार्ट है जो हमें देखने की जरूरत है तीन पार्ट उसके बहुत आसान है सबसे पहली चीज तो इसमें पांच आपको डेटा दिए हुए दो स्टॉक के दोनों स्टॉक के रिटर्न दोनों स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन और दोनों स्टॉक का कोरिलेशन को वो भी माइनस में है पॉइंट सिक्स ज़ीरो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो कोरिलेशन रिलेशन कोइफिशेंट होता है वो उसकी रेंज होती है ये वाली ठीक है यहाँ पे सबसे कम यानी ना वन पे तो रिस्क रिड्यूस होगा ही नहीं अब जितना आप इधर जाते जाओगे उतना रिस्क आपका कम होते जाता है ठीक तो है तो माइनस पॉइंट सिक्स ज़ीरो है यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे है तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिड्यूस हुआ होगा ही होगा पहला क्वेश्चन नाउ सपोज द पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड विथ फोर्टी परसेंट इन एंड सिक्सटी परसेंट इन बी तो बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा बहुत सिंपल है सर ये जो दोनों रिटर्न आपके वेट आपको दिए हुए हैं उनको दोनों को रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाए आ जाएगा वेट ऑफ ए आर ए प्लस वेट ऑफ बी आर बी से उसके बाद वेरियंस निकालना है आपका वेरियंस के लिए फॉर्मूला रेडी है सर टू असेट वाला कैसे निकालोगे ध्यान देना मैं आपको वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ स्टैंडर्ड स्टैंडर्डवेशन ऑफ ए स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन ऑफ बी वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू इन टू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी स्टैंडर्डिशन ऑफ ए स्टैंडर्डिशन ऑफ बी आर ए बी इससे आता है सिर्फ वेरियंस इसको स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा सर स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है आर ए बी भी दिया हुआ है सारी फिगर्स आपको दी हुई है याद रखना अब यहाँ से आगे की जो स्टेप्स है वो सारी फिगर रखो और आंसर निकालो यानी कैलकुलेशन है कैलकुलेटर पे वो तो प्रैक्टिस करने से ही आएगा मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे हाउ टू ड्राइव अ कार का कितना भी वीडियो देख लो जब तक खुद ड्राइव नहीं करोगे तब तक अच्छे से नहीं आएगी तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर मेरे डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है सर अब स्टेट वेदर डाइवर्सिफिकेशन एज़ रिजल्टेड इन टू रिस्क रिडक्शन पहली बात तो क्या डाइवर्सिफ़िकेशन किया सर हमने एक ही इन्वेस्टमेंट ए या फिर सिर्फ बी में इन्वेस्टमेंट नहीं करा सारा का सारा पैसा हमने एक पोर्टफोलियो बनाया और दोनों में पैसा डाला चालीस परसेंट मैंने मेरा पैसा डाला ए में साठ परसेंट डाला बी में तो अब यह बताना है कि ये जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है मैंने जो अपना पैसा डाइवर्सिफाई किया है इससे रिस्क रिड्यूस हुआ है क्या यस सर रिस्क रिडक्शन हुआ है कैसे प्रूव करोगे उसने बोला हाँ या नहीं बताओ इस, ऐसा नहीं है ये इसके लिए एक या दो मार्क नहीं मिलेंगे यस और नो लिखने के लिए आपको प्रूव भी करना पड़ेगा तो बहुत सिंपल सी बात है सर एक लॉजिक तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे लगता है कि कोरिलेशन कोशन जब प्लस वन होता है तब कुछ भी रिस्क रिड्यूस नहीं होता और जब माइनस है तो रिस्क रिड्यूस होता है बट ये भी बताना पड़ेगा ना आपको प्रूव करके ये तो सिर्फ स्टेटमेंट हो गया तो रिस्क कितना है दोनों पॉइंट पर यह निकाल लो आर ए बी जब माइनस पॉइंट सिक्स जीरो था तब तो हमने रिस्क निकाल लिया स्टैंडर्ड एविशन कितना है ठीक है तो एक्चुअल रिस्क हमारा निकल गया सेवनटीन पॉइंट ज़ीरो नाइन परसेंट आप ये निकाल लो कि अगर ये पॉइंट पे कोरिलेशन रिलेशन होता तो आपका कन्फर्म है ना कि रिस्क रिड्यूस नहीं होता तो आप वन रख के आर इज इक्वल टू वन ले लो अब आर इज इक्वल टू वन लेते हो तो रिस्क निकालना कितना आसान हो जाता है सिर्फ वेटेड एवरेज लेना है आपको ये पचास ये तीस सो so, ये देखो 50 इंटू वेट है 40 परसेंट और 30 इंटू वेट है 60 परसेंट तो ये 20 ये 18 यानी कि 38 परसेंट कोरिलेशन रिलेशन वन होता तो पोर्टफोलियो का रिस्क 38 परसेंट होता मतलब बिना रिस्क रिडक्शन के अगर आप इंडिविजुअली अलग अलग भी इन्वेस्ट करते तो भी 38 परसेंट आता तो 38 परसेंट टोटल रिस्क है दोनों का लेकिन एक्चुअल में जब हमने पोर्टफोलियो बनाया तो कितना रिस्क आया 17 तो आप देख रहे हो 38 से सीधा गिर केज यहां इज योर तो रिस्क इक्वल टू वन यहां इज इक्वल टू माइनस पॉइंट से 17 पे आ गया ये रिडक्शन नहीं तो और क्या है सो so, देखो रिस्क रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल थ्रू डाइवर्सिफिकेशन इफ आर इज इक्वल टू वन मीन्स इट डज नॉट मेक सेंस इन्वेस्टिंग इन टू और मोर सिक्योरिटीज इन सच अ केस ठीक है आगे देखो अब एक्चुअल रिस्क जो सत्रह पॉइंट जीरो नाइन परसेंट का है विद द पोर्टफोलियो रिस्क विदाउट एनी रिडक्शन वो है 38 परसेंट का तो विदाउट रिडक्शन 38 एट परसेंट विद रिडक्शन एक्चुअल रिस्क जो है तो क्या हम बोल सकते डाइवर्सिफिकेशन रिजल्ट रिस्क रिड्यूस हुआ है ठीक है यहां तक आपके सारे क्वेश्चन हो गए अब आप ध्यान देना आपके पोर्टफोलियो में जब ए और बी नाम की दो सिक्योरिटीज़ होती थी तो उस चीज़ का आप रिस्क निकालते थे कैसे निकालते थे सर वेरिएंस से स्टार्ट करते थे ए प्लस बी होल स्क्वायर करते थे ठीक है अब आपने हर ए की जगह क्या रखा था स्टैंडर्डावेशन ऑफ ए वेट ऑफ ए रखा था बी की जगह क्या रखा था स्टैंडर्डाइवेशन ऑफ बी वेट ऑफ बी रखा था तो अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास में पोर्टफोलियो है जिसमें ए बी और सी तीन सिक्योरिटीज है तो क्या ऐसे पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल सकते हैं exactly एग्जैक्टली उसी मॉडल से निकाल सकते हैं सर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर करना पड़ेगा अब यह अल्जबरा में मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर का एक्सपेंडेड वर्जन आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा इट इज नथिंग बट आपको याद होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए अब आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ बोलोगे लाइफ में कितना है सर तो रिस्क निकालने जितना ही है प्रैक्टिकली रिस्क भी ऐसे नहीं निकाला जाता इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एग्जैक्ट मार्केट कंडीशन बट ये सब हम एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए हर ए के जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए रखो हर बी के जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी रखो हर सी के जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी वेट ऑफ सी रखो और जहां पे भी टू ए बी आ रहा है उसके आगे एक और एडिशनल आइटम जो आपको लगाना है जिससे रिस्क का इंपैक्ट इंक्लूड कर दोगे आप वो है आर ए बी यहां लगाओगे आर बी सी यहां लगाओगे आर सी ए बस आपका वही फॉर्मूला है कुछ भी नया नहीं है सिर्फ बढ़ गया दो का इतना था तीन का इतना हो गया देखो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर में तीन सिक्योरिटी है और उस पूरे पोर्टफोलियो का आपको रिस्क निकालना है एक्स वाई और जेड ठीक है ये जो आपको दिया हुआ है वो है वेट्स कि 25 परसेंट एक्स में डाला 35 परसेंट वाई में डाला 40 परसेंट जेड में डाला और तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और तीनों के बीच में जो कोरिलेशन है आर एक्स वाई आर वाई जेड और आर सॉरी आर एक्स जेड है ये और आर वाई जेड ये आपको दिया हुआ है ठीक है इट मे बी नोटेड दट द कोरिलेशन बिटवीन एक्स के साथ कोरिलेशन एक ही आना है सर ध्यान देना आर एक्स एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स तो ये तो नीचे तो स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया ना डिनोमिनेटर में और कोवेरियंस भी निकालोगे तो उसी के डेविएशन को उसी के डेविएशन से मल्टीप्लाई करोगे इन सब चीज़ों का जो लेन देन बनता है वो ऐसा ही आएगा आपको सौ का रिस्क ऊपर सौ का रिस्क नीचे दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन नीचे आ रहा है वही ऊपर आएगा क्योंकि उसमें सारी सिक्योरिटीज़ ही सेम ही है हमेशा कोई भी कैलकुलेशन आप करके देख लो तो हमेशा आंसर वन ही आएगा सर आर एक्स एक्स का इसका रीज़न जो है वन आने का वो ये है कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं ठीक है अब हमने फॉर्मूला रखा ध्यान देना अब इसको थोड़ा सा समझो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी इसी की जगह आपने रखा वेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्र वेट ऑफ वाई डेविएशन ऑफ वाई स्क्वेयर वेट ऑफ जेडिवेशन ऑफ वाई जेड स्क्र तो मैं थोड़ा मार्किंग कर लेता हूँ ताकि आपको बाद में ईजी जाए समझने को ये हो गया तीन इसके बाद टू ए बी में क्या रखा ध्यान देना ये है टू ए बी वाला पार्ट ये इतना फिर ये टू बी सी और ये टू सी यानी कि एक्स वाई

वैल्यूज डालो आंसर निकालो इससे वेरिएंस आता है वेरिएंस को अगर आप स्क्वायर रूट में डालोगे तो स्टैंडर्ड डिविशन आ जाएगा सो so, पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क अब हमको निकालना आता है वो है एट पॉइंट जीरो टू परसेंट जब तीन सिक्योरिटीज आई तो आपके सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ गए सर पहले क्या था सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी ये जो मैंने गोल किया है सिर्फ इतना ही पोर्शन था अब आपका डबल हो गया है ऑलमोस्ट ठीक है ये समझ आया ठीक है सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ नाइन भी ऑलमोस्ट हम इसमें से सब कुछ देख चुके हैं कुछ भी नया नहीं है तो ध्यान देना मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ एक क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में पहला या दूसरा क्वेश्चन था विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला तो दो सिक्योरिटी दी थी दोनों का हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था यहाँ पे भी क्या है पता है रिटर्न ऑफ ए और बी तो दिया है लेकिन दो सालों के लिए दिया है तो सबसे पहले आपको बार ए और बार बी निकालना पड़ेगा तो दस प्लस सोलह ट्वेंटी सिक्स बाई टू कर दोगे यहाँ पे तो ये तेरह परसेंट आ जाएगा अठारह प्लस बारह कितना होता है तीस उसको डिवाइडेड बाय टू करो दोगे तो ये पंद्रह तो ये आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएंगे ए और बी के लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है पोर्टफोलियो का बताओ जिसमें ए में हमने चालीस डाला है और बी में साठ डाला है तो वेटेड एवरेज कर लो तेरह को चालीस परसेंट से मल्टीप्लाई करके पंद्रह को साठ परसेंट से तो वेटेड एवरेज आ गया इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है हर स्टॉक का बहुत आसान है सर ध्यान देना दस में से तेरह माइनस करोगे तो माइनस तीन आएगा सोलह में से तेरह माइनस करोगे तो तीन आएगा डेविएशन वेविएशन सब निकालोगे तो भी आंसर तीन ही आएगा क्योंकि इक्वली एवरेज से मीन से दोनों जो रिटर्न है आपके इक्वल डिस्टेंस पे है तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो तीन ही आएगा क्योंकि देखो उसका मतलब भी तो यही होता ना कि मैं तेरह परसेंट कमाऊँगा और रिस्क है तीन परसेंट का यानी कि तेरह तीन परसेंट से ऊपर जा सकता है सोलह और तीन परसेंट से नीचे आ सकता है दस तो ये वही तो रिटर्न हुए सोलह और दस तो इन दोनों का आंसर तीन और तीन आएगा देखो पंद्रह भी जो आपका एवरेज है ना वो भी बारह से तीन परसेंट दूर है और अठारह से भी तीन परसेंट दूर है तो इसका भी आंसर तीन ही आएगा कोवेरियंस जब निकालने जाओगे थोड़ा सा ध्यान देना कोवेरियंस जब निकालने जाओगे तो दोनों देखना तीन तीन ही है दोनों का जब रिस्क ही सेम है तो यहाँ पर भी लाने के बाद सेम ही आपका आंसर आने वाला है तो ये आएगा आपका कोवेरियंस भी कोवेरियंस भी आपका आ जाएगा कोवेरियंस आएगा नाइन तीन इंटू थ्री अठारह आएगा अठारह बाय टू कर दोगे आप उसको क्योंकि दो साल का है ना ऐसा फिर कोरिलेशन रिलेशन निकालोगे तो कोवेरियंस नौ डिवाइडेड बाय थ्री इंटू थ्री ये वन आएगा कोरिलेशन रिलेशन को वन आएगा क्योंकि सब कुछ इक्वल डिस्टेंस पे है तो कोई रिस्क रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा और पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है ध्यान देना ए और बी का इन्वेस्टमेंट दिया जब कोरिलेशन रिलेशन को वन है तो ये तो वेटेड एवरेज बन गया सो वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन ऑफ बी अब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर तीन तीन है तो पोर्टफोलियो का रिस्क भी तीन ही परसेंट आएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये और आप एक बार करके देखो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम भी कम है और इतना इंपॉर्टेंस भी मेरे को नहीं लग रहा कि उसे देना चाहिए ये आपके लिए होमवर्क है इसमें भी और कुछ नहीं निकालना सर स्टैंडर्ड एवियेसन ऑफ पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो का रिटर्न है सिर्फ क्या है चार अलग अलग सिचुएशन दी है चारों में वेट्स आपके बदल रहे हैं बी में इन्वेस्ट करने का और डी में इन्वेस्ट करने का सिर्फ वेट बदल रहा है कोरिलेशन रिलेशन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो कुछ नहीं वेट बदलो फॉर्मूले में और आंसर रखो आपका आंसर आ जाएगा तो रिस्क और रिटर्न का ये भी क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ग्यारह भी आप लोगे इसमें भी देखो क्या है आपको एक्स और वाई का रिटर्न और रिस्क दिया हुआ है और कितना किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे ये भी लिखा हुआ है यानी कि वेट्स कोरिलेशन रिलेशन कोइफिशेंट पॉइंट अब सबसे पहले तो चारों में आप रिटर्न निकालो चारों में रिस्क निकालो और फिर बताओ कि रिस्क के एंगल से किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें भी रिस्क चारों में से कम होगा तो ये वाला पॉइंट जो है ना सेकंड वाले में जो भी चार आंसर आए उसमें जो भी सबसे कम होगा वो थर्ड वाले का आंसर बन जाएगा और फर्स्ट वाले में जितना भी आंसर आए रिटर्न रिटर्न तो हम हाईएस्ट चाहते हैं तो जितना भी पहले वाले में हाईएस्ट रिटर्न होगा वो फोर्थ का आंसर बन जाएगा गुड इनफ रिपिटेटिव नेचर कहें क्वेश्चन नंबर बारह आप होमवर्क लोगे लेकिन तेरह मैं करवा के दूंगा ये तेरह हम ले लेते हैं बारह और तेरह सेम है बारह थोड़ा छोटा वर्जन है तेरह थोड़ा बड़ा वर्जन है तो डिफिकल्ट वाला मैं समझा देता हूं बारह आप कर लोगे ठीक है ध्यान देना काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है है तो इजी लेकिन दो तीन चीजें हैं जो हम समझनी जरूरी है अब इस क्वेश्चन में भी अल्टीमेटली जो पूछा गया है वो है पोर्टफोलियो का रिटर्न और पोर्टफोलियो का रिस्क अब आपको यहाँ तक तो आदत हो गई होगी कि पोर्टफोलियो का रिटर्न यानी वेटेड एवरेज होता है और पोर्टफोलियो का रिस्क का एक अपना फार्मूला होता है जिसमें दो असर्ट्स होते हैं ठीक है अब उस फार्मूले के लिए हमको आ, कोरिलेशन कोइफेशन चाहिए होगा स्टैंडर्ड एवियशन दोनों का वो तो निकाल लेंगे वेट भी निकाल लेंगे कोरिलेशन कोफिशन के लिए आपको कोवेरियंस चाहिए कोवेरियंस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि पहले सिक्योरिटी के रिटर्न का डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे सिक्योरिटी के उसी पॉइंट के रिटर्न्स का डेविएशन इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे टोटल करोगे ठीक है नहीं तो डिवाइडेड बाय एन होता है टोटल करने के बाद तो देखते हैं सर क्या क्या दिया हुआ है कैसे और फिर आगे बढ़ते हैं देखो मिस्टर ए एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है इन्वेस्टेड ऑन वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन इन सर्टन इक्विटी शेयर्स एज बिलो उन्होंने एक्स और वाई लिमिटेड नाम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा एक लाख शेयर्स खरीदे जिसकी फेस वैल्यू सौ रुपये थी तो टोटल उतने को उनको जो कॉस्ट पड़ी है वो है दो, दो करोड़ की यानी कि हर शेयर दो सौ रुपये का था एक लाख इंटू दो सौ तो ये हो गई उनकी परचेज प्राइस जो ब्रैकेट में दिया ये तो सर फेस वैल्यू है अब पचास हज़ार वाई के शेयर खरीदे दस रुपये वाले और वो भी डेढ़ करोड़ में तो ये हो गए तीन सौ रुपये के एक करो पान पचास हज़ार इंटू तीन सौ आपका डेढ़ करोड़ आएगा सितंबर 2014 में क्या हुआ यानी अप्रैल के बाद ठीक छठवें महीने में दस परसेंट डिविडेंड बांटा गया एक्स लिमिटेड द्वारा और अक्टूबर यानी उसके अगले महीने में तीस डिविडेंड दिया गया वाई लिमिटेड से ठीक है तो आप देखो ये है आपकी टाइम लाइन पूरा क्वेश्चन दो सालों में डिवाइड किया गया है पहला साल है आपका 2014-15 और दूसरा साल है 15-16 अभी बात हो रही है 14-15 की एक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वाई में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एक्स में दो सौ के भाव से खरीदा था और वाई में तीन के भाव से खरीदा था और इस साल हुआ यह कि एक्स ने 10 परसेंट डिविडेंड बांटा है अब यह डिविडेंड क्या है सर डिविडेंड ना तीन तरह के होते हैं ध्यान देना रेट ईल्ड और पे आउट तो अब आप इन तीनों में से किसको मानोगे कि ये क्या है जब कुछ भी नहीं दिया होता तो बाय डिफॉल्ट मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था लास्ट चैप्टर में कहा था कि उसे रेट मानेंगे हम और रेट लगता है किस चीज पे सर फेस वैल्यू पे ईड लगता है मार्केट प्राइस पे पे आउट रेशियो लगता है ईपीएस पे तो फेस वैल्यू जो हमको ब्रैकेट में यहाँ पर दी हुई है वह है सौ की तो दस डिविडेंड सौ पे तो एक्स लिमिटेड ने दस का डिविडेंड बांटा फिर 30 डिविडेंड दिया हुआ है Y का दस रुपए पे देखना 30 परसेंट रुपए पे लगाओगे तो साढ़े तीन रुपए का यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो 31 मार्च 2015 है यानी साल का अंत तब X की प्राइस थी 220 Y की प्राइस थी 290 220 290 ठीक है अब ध्यान देना उसके बाद क्या हुआ एक चार 2015 को यानी कि अगले साल की बात आ रही है टेक्निकल एनालिस्ट जो है उसने बोला कि यार अब जो है अगले साल के एंड में जो डिविडेंड हम बांटेंगे वो थोड़ा अलग अलग है मतलब हो सकता है एक्स लिमिटेड दस रुपये का डिविडेंड बांटे पंद्रह का बांटे या बीस का बांटे जिनके होने के चांसेस यहाँ पे दिए हुए बीस परसेंट तीस परसेंट पचास परसेंट वाई लिमिटेड भी पंद्रह बीस या पैंतीस रेट है पैसे का नहीं है सॉरी ये मैंने दस रुपये पंद्रह रुपये बोला होगा गलत है दस परसेंट पंद्रह परसेंट रेट है इस पे फेस वैल्यू पे तो इनका रेट ये होने के चांसेस इतने हैं ये है सिर्फ डिविडेंड का कि उस साल तीन में से कोई भी एक डिविडेंड बांटा जा सकता है ठीक है जैसे पहले साल बहुत क्लियर क्लियर था एक ही डिविडेंड बांट रहे हैं दस रुपये का दो और वाई वाला साढ़े तीन रुपये का लेकिन दूसरे साल हर कंपनी की तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है और इनफैक्ट डिविडेंड की तीन है मार्केट प्राइस जो साल के अंत में होगी उसकी भी तीन है तो यहां आपके कैलकुलेशन असली में बढ़ जाएंगे आपको क्या निकालना है एवरेज रिटर्न निकालना है अरे कहाँ गया आपको क्या निकालना है सर एवरेज रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का इकत्तीस तीन दो हजार पंद्रह का यानी थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार पंद्रह का सेम आपको एवरेज रिटर्न निकालना है फिर से पोर्टफोलियो का पंद्रह सोलह का यानी पहले दो क्वेश्चन में तो दोनों साल के सिर्फ रिटर्न ही पूछे हैं तीसरा वाला पार्ट हम आखिरी में देखेंगे ठीक है आ जाओ अब यहां पे रिटर्न पोर्टफोलियो रिटर्न जब भी कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ऐसे केस में कोशिश यही करना सर कि आप क्वेश्चन को ना जितना हो सके छोटा कर लो जितना छोटा करोगे उतना अच्छा रहेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छा मैं जो बोल रहा था कि छोटा कर लो छोटा करने का मतलब क्या होता है देखो सिंपल कर लो आप सबसे आखिरी में निकालना क्या चाहते हैं सब वो निकालो सबसे लिख लो पहले तो अब आपको चाहिए पोर्टफोलियो का रिटर्न और वो निकलता है वेटेड एवरेज से सो वेट ऑफ क्या दिया है? ए बी दिया है क्या एक्स वाई दिया है सो हम क्या करेंगे वेट ऑफ एक्स रिटर्न ऑफ़ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई रिटर्न ऑफ वाई अब कहानी को और सिंपल कर लो दोनों के वेट्स निकाल लेते हैं सबसे पहले एक्स वाई इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करा है दो करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट करा है डेढ़ करोड़ का इनिशियल प्राइसेस जो है या फिर मैं आपको ऐसे लिख के देता हूँ क्योंकि अगले वाले में वो काम आएगा एक लाख शेयर्स दो सौ के दो करोड़ पचास हजार शेयर तीन सौ के डेढ़ करोड़ अब आप देखो टोटल जो आपका इन्वे ये हुआ है मार्केट में पोर्टफोलियो की वैल्यू जो बिगिनिंग में थी वो थी साढ़े तीन करोड़ की अब आपको क्या करना है दो डिवाइडेड बाय साढ़े तीन तो ये आता है पॉइंट फाइव सेवन वन फोर और फिर वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय साढ़े तीन तो पॉइंट फोर टू एट सिक्स आ गया अब आपके वेट्स तो आ गए अब आ रही आती है रिटर्न की ध्यान देना सर एक एक स्टेप आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपका आंसर निकलेगा हॉच करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब बहुत सारी चीज़ें करने को दी होती है कोई भी एक चीज पकड़ो उस पर ध्यान दो सिर्फ कि वो कहाँ से आ सकता है अब मैं रिटर्न देखता हूँ सिर्फ एक्स का तो रिटर्न निकालने का तो मुझे जो तरीका समझ आ रहा है वो है डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई इनिशियल जो प्राइस थी वो मैं आई लिख देता हूँ माँ या फिर पी जीरो लिख लो इस क्वेश्चन में यही है ना डिविडेंड के बारे में बात करी गई है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अब डिविडेंड तो दस रुपये का दे दिया कैपिटल अप्रिशिएशन कैसे निकालोगे सर 290 की प्राइस है और 290 कितना है 220 सो so, देखो 220 की एंडिंग की प्राइस है और 200 की स्टार्टिंग की थी तो ये आ गया डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन और 220 की स्टार्टिंग की प्राइस है तो ये हो गया तीस रुपये डिवाइडेड बाई दो सौ नहीं दो स्टार्टिंग की प्राइस दो थी तो पंद्रह परसेंट आ गया आपका ठीक है यानी एक्स का रिटर्न हमें मिल गया अब इसी तरह से वाई का रिटर्न निकाल लेते हैं वाई में आपने देखा होगा थर्टी परसेंट का है आपका डिविडेंड तो तीन रुपए आएगा वो दस रुपये की फेस वैल्यू पे तीन रुपए का डिविडेंड और उसके बाद दो सौ नब्बे मार्केट में प्राइस है और खरीदा तीन सौ में था तो यहां तो नुकसान हो गया आपको दस रुपये का नुकसान हो गया तो नेट में अगर देखोगे तो सात रुपये का नुकसान है तीन सौ के इन्वेस्टमेंट पे तो यहाँ आपको लॉस दिखेगा पॉइंट यानी टू पॉइंट थ्री थ्री परसेंट निगेटिव आ गया अब यही दो रिटर्न ये देखो ये दो ये दो अगर रख दोगे तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं आएगा क्या पहला आंसर तो कंप्लीट हो गया हमारा ठीक है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं इन्होंने सारा का सारा टेबल फॉर्मेट में किया है तो ये वो दोनों हमारे रिटर्न हैं और ये दोनों वेट्स हैं इन्होंने गलती थोड़ी सी करी है इन्होंने वेट्स राउंड ऑफ कर लिए 57 और 43 परसेंट में मत करना ऐसा चार डेसिमल तक लिखना आंसर में वेरिएशन आ जाते हैं उसकी वजह से तो ये पहला आंसर तो काफ़ी आसान हो गया आपका आंसर पहला आसान हो गया असली मज़ा तो दूसरे में है अब यह है दूसरा साल और सोलह मान लो इधर खत्म हो गया अपना दूसरे साल की शुरुआत की जो प्राइस थी x की और y की सबसे पहले तो वो लिख लो वो आपको बहुत दो सौ बीस रुपए और दो सौ नब्बे रुपए सिर्फ दूसरे साल का अगर रिटर्न निकालना है तो बिगिनिंग प्राइस मैटर करती है अब पिछले साल की प्राइसेस पे मत जाना अब यहां पे हम अगर डिविडेंड और कैपिटल अप्रिशिएशन की बात करें तो आपको नोट आप नोटिस करना तीन तरह के डिविडेंड और तीन तरह की कैपिटल अप्रिशिएशन पॉसिबल है क्योंकि तीन अलग अलग मार्केट प्राइसेस हो सकती है तो ऐसे मिला के पता है सिर्फ एक्स के लिए नाइन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती है नाइन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती है अब मेरा ध्यान देना मैं सिर्फ एक्स की बात करूंगा वाई फिर आपको पूरा का पूरा मैंने कंपाइलर में समझा देना है ठीक है ये डिविडेंड की बात करते हैं मान लो इस साल जो डिविडेंड बांटा जाना है वो जो दिया है वही लेंगे मानना क्या है इसमें दस परसेंट पंद्रह परसेंट और बीस परसेंट ठीक है ध्यान देना ये परसेंट जो है ये डिविडेंड का रेट है जो कि फ़ेस वैल्यू पे लगना है तो सौ रुपये पर जैसे ये लगाओगे तो वो आ जाएगा आपका आंसर दस रुपये पंद्रह रुपये बीस रुपये वैसे ही वाई लिमिटेड का अगर आप लगाओगे तो वो दस रुपये पर लगेगा तो ये आ जाएगा डेढ़ रुपये दो रुपये और साढ़े तीन रुपये ठीक है ये पैसे में मैंने ले लिया अब ध्यान देना कि पहले साल कंपनी मतलब जो इस साल दूसरा साल है कंपनी दस रुपए का भी डिविडेंड बांट सकती है पंद्रह का भी बांट सकती है और बीस का भी बांट सकती है बराबर राइट right. और जिसके होने के चांसेस बीस तीस पचास परसेंट है ठीक है लेकिन पहले साल जो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा वो डिपेंड करता है मार्केट प्राइस पे तो पहले साल मार्केट प्राइस 220 की भी हो सकती है अब मैं एक काम करता हूँ अगर 220 की हुई मार्केट प्राइस तो मेरी बिगिनिंग प्राइस कितनी है 220 ही तो है ना मेरी बिगिनिंग की प्राइस एक सेकेंड हाँ तो P1 वन माइनस कोई कैपिटल अप्रीशिएशन नहीं है इस केस में बट 250 गई तो आपको तीस रुपये का कैपिटल अप्रीशियशन मिलेगा और यहाँ पे पचास नहीं साठ रुपये का कैपिटल अप्रिशिएशन मिलेगा ये हो गया एक्स के कैपिटल अप्रेशिएशन क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर 220 के होने के चांसेस 20 परसेंट है तो जीरो के भी होने के चांसेस 20 परसेंट हो गए एक्जैक्टली exactly. अब ये दूसरे केस में देखो प्राइस ऑफ शेयर ऑफ वाई लिमिटेड बिगिनिंग प्राइस 290 एंडिंग प्राइस 290 कोई कैपिटल अप्रेशिएशन नहीं 310 सौ दस माइनस दो सौ का कैपिटल अप्रेशिएशन और ये दो ये चालीस का कैपिटल अप्रीशिएशन तो ठीक है हमें कैपिटल अप्रेशिएशन और उसकी पॉसिबिलिटीज़ पता चल गई प्रोबेबिलिटीज पच्चीस तीस बीस पचास तीस अब देखो पहले साल का जो कैपिटल है मतलब एक्स का जो कैपिटल है है दूसरे साल का सॉरी और भी हो सकता अब पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या आती है कंपनी दस रुपए का डिविडेंड बांट सकती है और जीरो का कैपिटल एप्रिशिएशन हो सकता है हो सकता है कंपनी दस का डिविडेंड बांटे और तीस का कैपिटल अप्रीशियशन हो जाए हो सकता है कंपनी दस का डिविडेंड बांटे और साठ का कैपिटल हो जाए हो सकता है कंपनी पंद्रह का डिविडेंड बांटे और जीरो तीस और साठ का कैपिटल एप्रीशिएशन हो जाए पंद्रह तीस पंद्रह साठ हो सकता है कंपनी बीस का डिविडेंड बांटे जीरो का कैपिटल बीस का डिविडेंड बांट के तीस का कैपिटल अप्रीशिएशन बीस का डिविडेंड बांट के साठ का कैपिटल अप्रीशियशन क्योंकि तीन पॉसिबिलिटीज इसमें तीन पॉसिबिलिटीज इसमें थी टोटल मिला के नाइन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ जाती है ठीक है अब प्रोबेबिलिटीज देखो दस पंद्रह और बीस की प्रोबेबिलिटी तो ये थी कि सर इसके होने के चांसेस तो बीस परसेंट है सिर्फ इसके पचास परसेंट और इसके है तीस परसेंट ठीक है बीस पचास और तीस परसेंट लेकिन ये बीस परसेंट हो गया तो कैपिटल अप्रीशिएशन की अपनी अलग प्रोबेबिलिटी है उसके भी अलग अलग होने के चांसेस है अच्छा ये बीस पचास तीस तो कैपिटल अप्रिशिएशन के यहां है बीस तीस पचास थोड़ा सा ध्यान देना ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी उधर है ट्वेंटी फिफ्टी थर्टी तो फर्क है बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में यह चीज का फर्क समझ नहीं आएगा और वो सेम प्रोबेबिलिटी ले, ले लेंगे दोनों के लिए बीस तीस पचास और इनके होने के चांसेस है बीस पचास तीस बीस पचास तीस बीस पचास तीस ठीक है नाइन डिफरेंट पॉसिबिलिटी है अब आप मुझे सिर्फ एक चीज बताओ यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविडेंड यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल अप्रीशिएशन एक चीज बताओ कि पहले साल नौ में से दस रुपए का डिविडेंड बांटा जाएगा और कैपिटल अप्रीशिएशन जीरो रहेगा इनकी मिला के प्रोबेबिलिटी कितनी है सिर्फ एक फिगर बताओ सर आप बोलोगे बीस गलत यहाँ तो ये वाली तो पकड़ा ही नहीं आपने बीस और बीस परसेंट सेम नहीं है सर ध्यान देना इनकी भी टोटल हंड्रेड परसेंट है इनकी भी टोटल हंड्रेड परसेंट है लेकिन और कोई प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो उनकी टोटल दो सौ परसेंट नहीं हो सकती टोटल हमेशा हंड्रेड परसेंट रहेगी यहाँ जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी यानी कि ध्यान देना अगर ये बीस परसेंट हो गया तो अब ये जो भी हो रहा है वो 20 परसेंट का 20 परसेंट है 20 का 50 परसेंट है 20 का 30 परसेंट है यानी 20 का 20 परसेंट आप लगाओगे सिर्फ 4 परसेंट आएगा ये 10 परसेंट आएगा और ये 6 परसेंट आएगा यानी इन तीनों की जो टोटल आप करोगे 10 और 4, 14 और 6, 20 तो ये इसकी टोटल आएगी कि पहले साल 20 परसेंट हो गया उसके बाद तीन अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो सकती है बीस की बीस बीस का पचास बीस का तीस वैसे ही अगर पहले साल तीस पहले साल यानी कि डिविडेंड में 30 की की हो गई तो तो के बाद capital appreciation की probability ये बनती है है यानी अगर आपको निकालना है कि dividend 15 का का गया और और हुआ इसकी chances कितने है? सिर्फ एक figure, तो आप 30 और 20 दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओगे वन एट और मेक श्योर sure कि जो टोटल आती है वो पहले वाले से मैच करे थर्टी उसके बाद ये भी हो सकता है कि 50% चांसेस आप डिविडेंड बांटोगे 20 रुपए का उस 50 में से फिर 20% चांसेस होंगे कि कैपिटल एप्रीशन जीरो उस 50 का 50% चांस होगा कैपिटल एप्रीशन 30 उस 50 का 30% आंसर होगा कैपिटल एप्रीशन 60 तो आप मल्टीप्लाई करोगे 0 .10 0 .25 और .15 ये हो गया आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी अब इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ के टोटल करोगे तो वो भी हंड्रेड परसेंट ही आएगी क्योंकि आपने हंड्रेड परसेंट के ही हंड्रेड परसेंट वाले हिस्से कर दिए तो टोटल भी करोगे तो भी हंड्रेड ही परसेंट आएगी सर ये कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है कि आपका टोटल गेन दस रुपये का होगा दस प्लस जीरो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दस परसेंट है कि आपका टोटल गेन चालीस रुपये का होगा यानी कि इन नौ में से दस परसेंट चांसेस है कि आप चालीस रुपये का आपको कैपिटल गेन या रिटर्न होगा छः परसेंट चांसेस है कि सत्तर रुपये का गेन होगा फिर छः परसेंट चांस है पंद्रह रुपये पंद्रह प्लस ज़ीरो फिर पंद्रह प्लस तीस पैंतालीस रुपये का गेन होने के चांसेस नौ परसेंट है और सेवेंटी फाइव का होने के चांसेस एटीन परसेंट है फिर ट्वेंटी फिफ्टी और एट्टी होने के चांसेस भी दस पच्चीस और पंद्रह परसेंट है ये आपकी आ गई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी करना क्या है सर इसमें कुछ भी नहीं करना आपकी स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट थी दो सौ बीस की उससे इन फिगर्स को उससे डिवाइड कर दो आपका परसेंटेज में रिटर्न आ जाएगा ये तो रुपीज में आ गया परसेंटेज में रिटर्न आ जाएगा और उस परसेंटेज वाली रिटर्न को इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज रिटर्न निकलेगा आपका एक्स का इतनी लंबी प्रोसीजर है सर ये देखो इन्होंने क्या किया एक्सपेक्टेड यील्ड निकाल ली इन्होंने अब यहाँ पे यही किया कि देखो ये वाला गेन हो सकता है आपको ये दस चालीस सत्तर पंद्रह पैंतालीस जो ये गेन हो सकता है इसको मल्टीप्लाई कर लो आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी से सो so, दस को पॉइंट जीरो फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट फोर ज़ीरो आता है आ रही बात समझ में ये रहा आपका पॉइंट फोर ज़ीरो तो आपने एक्सपेक्टेड टोटल करके एक्सपेक्टेड यील्ड निकाल लिया कि आप ऑन एन एवरेज एक्स में जो इस साल कमाओगे डिविडेंड और कैपिटल अप्रीशिएशन मिला के वो है 49.50 उसको 220 से डिवाइड कर लिया आपका परसेंटेज रिटर्न आ गया सेम वाई के साथ करोगे तो वाई का भी रिटर्न आ जाएगा अब ध्यान देना अब वापस अगर आपको पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है तो वापस आपको एक्स और आर एक्स प्लस वेट ऑफ वाई और आर वाई करना पड़ेगा ये दो तो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया वेट ऑफ एक्स वाई के लिए एक्स की जो प्राइस है यहाँ पे 220 लेनी पड़ेगी एक लाख शेयर्स है तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट बोलो मार्केट वैल्यू बोलो बिगिनिंग की वो दो करोड़ बीस लाख कहलाएगी वाई के केस में दो सौ करोगे तो वो आती है एक करोड़ पैंतालीस लाख टोटल करोगे तो तीन करोड़ पैंसठ लाख आता है अब टू बाय थ्री पॉइंट सिक्स फाइव और वन पॉइंट फोर फाइव डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट सिक्स फाइव अब आप इनके बेसिस पे वेट निकालोगे जो भी बिगिनिंग में प्राइस होती है उस प्राइस पे क्या मार्केट वैल्यू है आप सिर्फ इसी साल का निकालना चाहते हैं तो इस साल की बिगिनिंग की प्राइस देखोगे अगर अब भी आपने पुरानी प्राइस ले ली सौ रुपए की दो सौ तीन सौ रुपए की तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी क्योंकि वो दो साल का रिटर्न निकलेगा फिर दो सौ रुपए यहां डाला था और यहां पे इतना रुपए हो गया तो बीच में दो साल का रिटर्न निकलेगा हमें दो साल का नहीं निकालना हमें सिर्फ दूसरे साल का निकालना है तो सिर्फ दूसरे साल की ओपनिंग प्राइसेस लो जो पिछले साल की क्लोजिंग बनी थी ठीक है अब ध्यान देना एक और बाई का रिटर्न निकालिए यहाँ आ जाते पोर्टफोलियो रिटर्न ये रहा आपने दोनों का वेट निकाला तो वो आया सिक्स जीरो थ्री जीरो और थ्री नाइन सेवन जीरो दोनों का रिटर्न निकाला और आपका आ गया पोर्टफोलियो रिटर्न अब बात करते हैं सर सेकंड ईयर में पोर्टफोलियो रिस्क की क्योंकि जो तीसरा पार्ट है वो है आपका एडवाइज मिस्टर ए ऑफ द कंपेरेटिव रिस्क इन द टू इन्वेस्टमेंट ध्यान देना रिस्क सिर्फ तभी हो सकता है जब एक के अलावा कोई पॉसिबिलिटी होती है पहले साल में तो कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं ना अलग अलग दस रुपये का डिविडेंड फिक्स था दो सौ बीस रुपये की मार्केट प्राइस फिक्स थी तो और तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं तो रिस्क भी नहीं था ये अपने आप आपको समझ में आना चाहिए कि पहले साल का रिस्क तो हम निकाल ही नहीं सकते निकलेगा ही नहीं बात आती है दूसरे साल के रिस्क की अब रिस्क निकालने का तरीका बहुत सिंपल सर आर माइनस बार आर आर बार आर करो निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर फिर समेशन करके डिवाइडेड बाय एन करो तो वेरिएंस और स्क्वायर रूट कर दो तो आपका स्टैंडर्ड एवियशन यह देखो यह है आपकी वो प्रोबेबिलिटी यह है आपकी वो ईल्ड अब क्वेश्चन ने क्या करा है ईल्ड इन्होंने परसेंटेज में नहीं निकाला ना इन्होंने जो स्टैंडर्ड एवियेसन निकाला है इस केस में वो रूपीज में निकाला है नहीं करना चाहिए था ऐसे तो वैसे देखा जाए तो परसेंटेज में आंसर निकालना चाहिए था बट ठीक है आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द परसेंटेज ओनली नॉट इन रुपीज़ ठीक है बाकी इन्होंने देखो क्या करा है प्रोबेबिलिटी को ईल्ड से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी निकाल ली एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी अच्छा ये जो दस निकला है ये रुपीज़ ही है ना हाँ और दस में से एक्सपेक्टेड कितना था अपना ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ज़ीरो देखने दो इन्होंने अभी क्या लिया है वो तो परसेंटेज था ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव जीरो हाँ इन्होंने रुपीज़ में आंसर निकाला फोर्टी नाइन पॉइंट फ़ाइव ज़ीरो फोर्टी नाइन पॉइंट फ़ाइव ज़ीरो क्या हुआ है हर जगह पे माइनस हुआ है तो रुपीज़ में से रुपीज़ माइनस किया तो डेविएशन भी जो आया वो रुपीज़ का ही डेविएशन आया इस डेविएशन में निगेटिविटी हटाने के लिए आपने स्क्वायर करा स्क्वायर करने के बाद में आपने फिर से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा फिर से यानी कि पहली बार ही से मल्टीप्लाई किया ये वो वैल्यू आ गई और ये आ गई सर आपकी स्टैंडर्ड डिशन स्क्वायर ये आ गया वेरिएंस रुपीस में ये आ गया उसका स्टैंडर्ड डिविशन जैसे ही आपने स्क्वेयर रूट डाला ट्वेंटी आ गया ट्वेंटी अब वाई लिमिटेड का भी आप ऐसे ही निकाल लोगे वाई लिमिटेड का भी आपने ऐसे ही निकाल लिया पोर्टफोलियो का आई थिंक इन्होंने इसमें निकालने बोला ही नहीं है पोर्टफोलियो का भी निकाल सकते हैं दोनों के डेविएशन का आप प्रोडक्ट ले लो और उससे कोवेरियंस आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया हुआ है ही आपको कोवेरियंस से आपको रिस्क भी निकाल सकते हो बट क्वेश्चन ने इंडिविजुअल रिस्क पूछा है ये देखो इन्होंने यहाँ पर पोर्टफोलियो नहीं पूछा कंपेरेटिव रिस्क इन टू इन्वेस्टमेंट दोनों इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क है वो बताओ स्टैंडर्ड एवेशन चले सर आगे बढ़े नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस ये तो क्वेश्चन और भी बहुत आसान है मतलब क्या तो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी बात है एक चीज़ सीखने जरूर मिलेगी यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग असेट क्लास रिटर्न फॉर द ईयर कैलेंडर ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन ध्यान देना तीन तरह के असेट क्लास है डोमेस्टिक इंटरनेशनल और बॉन्ड डोमेस्टिक इंटरनेशनल और बॉन्ड और आपने जो पोर्टफोलियो बनाया उसमें 55 परसेंट आपका पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में लगाया ट्वेंटी परसेंट आपका जो पैसा है वो इंटरनेशनल इक्विटी में लगाया और आपके पैसों में से 25 परसेंट आपने बॉन्ड्स में लगाया यही चीज अगर इंडेक्स की होती बेंचमार्क यानी कि एक स्टैंडर्ड इंडेक्स जो मार्केट में चलता है जैसे निफ्टी सेंसेक्स एस एन इन इंडेक्स को अगर हम ध्यान से दें तो इस इंडेक्स में 40 परसेंट डोमेस्टिक इक्विटी आती है 30 परसेंट इंटरनेशनल और 30 परसेंट बॉन्ड आता है ठीक है और इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है मार्केट से आपको डेटा उठाया हुआ मिल जाता है पोर्टफोलियो में डोमेस्टिक इक्विटी में दस परसेंट कमाओगे इंटरनेशनल में दस और बॉन्ड में पाँच जबकि बेंच में ये वाला रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वॉट इज़ द वैल्यू एडेड और एक्टिव रिटर्न फॉर द मैनेज पोर्टफोलियो मैनेज पोर्टफोलियो मतलब एक्टिवनेस अब मैं आपको समझाता सबसे पहले तो आप पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो से रिटर्न निकाल लो वेट दिए हुए हैं रिटर्न दिया हुआ है मल्टीप्लाई करके एक पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा उसे हम बोलेंगे रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो उसके बाद आप बेंचमार्क के वेट का बेंचमार्क के रिटर्न से पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल लो तो ऐसे केस में आपका एक रिटर्न आ जाएगा वो होगा बेंचमार्क रिटर्न क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो ये जो बेंचमार्क है ये जैसे सेंसेक्स निफ्टी ये वो सब होते हैं इन सब में इन्वेस्ट करके साल भर के लिए छोड़ दो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो करना होता है मार्केट करता है लेकिन अगर आप इस तरह से बेंचमार्क सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपना खुद का अपने मन से पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उस केस में साल भर आपको देखते रहना पड़ता है आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है क्योंकि ये जो 55 परसेंट आपने निकाला ना ये आपको बहुत ही केयरफुल एनालिसिस के साथ फिगर लानी पड़ती है बट ये जो 40 परसेंट का वेट निकल रहा है यहाँ पे ये तो मार्केट से पता चल जाएगा ये पूरा सेंसेक्स है सेंसेक्स में कितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है सर 20 कंपनीज का टोटल मार्केट वैल्यूएशन में 20 कंपनीज ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है तो आप लिख दोगे यहाँ पे असेट क्लास ऑटोमोबाइल और 20 परसेंट वेट बहुत आसान है वो चीज़ बेंच का मैनेज करना क्योंकि ये बेंच मार्क मैनेज करने को पैसिव मैनेजमेंट बोलते हैं यानी इसमें करना नहीं पड़ता इट्स एज गुड एज रेंट अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी और वो रेंट पे दे दी और पच्चीस हजार रुपये हर महीना अगर रेंट आ रहा है आपको तो आप बताओ आप कितना एक्टिवली इन्वॉल्व हो उसमें कुछ भी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो आप उसमें क्योंकि अब वो पैसिव इनकम आपकी बन चुकी है लेकिन एक्टिव इनकम क्या होती है पता है आपको जब भी आप खुद उसमें घुसे पड़े रहते हो साल भर तक जैसे अभी मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मेरे यहाँ पे बैठना जरूरी है रोज़ आना जरूरी है तभी जाके मैं क्लास ले पाऊंगा तो दिस इनकम दैट आई एम अर्निंग राइट नाउ इज एक्टिव इनकम एंड फॉर द सेक ऑफ सीक्रेट मतलब इन क्वेश्चन से और सिलेबस हट के बताता हूँ आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस फील्ड बैडली दस साल लग गए सिर्फ इतनी सी चीज समझने के लिए एक्टिव इनकम लॉन्ग टर्म और बड़े गोल के लिए बेकार है ठीक है चलो कोई बात नहीं तो हम एक्टिव इनकम क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई देखो बंदे के पास पैसे थे बंदा चाहता तो बेंचमार्क में ये सारा डेटा मार्केट में अवेलेबल था पैसा डाल देता साल के अंत में रिटर्न निकाल लेता तो वो कितना रिटर्न हो रहा है बेंच का वो हो रहा है सेवन ठीक है लेकिन बंदे ने डिसाइड करा कि नहीं मैं बेंचमार्क में नहीं मेहनत करके अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो जब उसने खुद का पोर्टफोलियो बनाया वो साल भर उसमें लगा रहा ये जो पोर्टफोलियो वेट दिख रहा है आपको लगा रहा और उसके बाद उसने देखा उसने कितना कमाया एट तो ये जो एट है ये मेहनत की कमाई है खैर मेहनत तो यहाँ भी लगी लेकिन आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे यहाँ पे अगर पैसा यहाँ लगा देते तो यहाँ लगाया तो आपको साल भर एक्टिवली देखते रहना पड़ा कौन सा शेयर खरीदूँ बेचूँ किधर पैसा डालू थोड़ा इधर से निकाल के उधर से डालू तो साल भर आपको मेहनत करनी पड़ी उसका एट पॉइंट सेवन फाइव परसेंट कमाया क्वेश्चन ये बोलता कि जितना आप एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स डाले हैं इसके अलावा इसमें उसकी कितना मिला आपको परसेंटेज सिर्फ वन पॉइंट जीरो फ़ाइव बिना मेहनत के सेवन पॉइंट सेवन वन और मेहनत के साथ एट पॉइंट सेवन फाइव परसेंट एक्टिव नहीं रहने के 7.71 परसेंट और एक्टिव रहने के 8.75 परसेंट तो आपका एक्टिव जो आप रहे आपने जो एक्स्ट्रा मेहनत करी उसका कितना मिला सिर्फ आपको 1.05 एक्स्ट्रा मिला क्योंकि 7.71 तो यूं ही मिल रहा था आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं अगर मैं रेंट पे अपना कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास वो दे के पच्चीस हज़ार कमा सकता हूँ और उसको न करते हुए मैं जॉब कर लेता हूँ मतलब आप बोलोगे दोनों साथ साथ कर लो वो ठीक है लेकिन मेरे पास दोनों में से अगर कोई एक ही ऑप्शन होता मान लो फॉर एग्जाम्पल और मैं जॉब कर करके अगर सिर्फ तीस हज़ार कमा रहा हूँ तो पूरे महीने भर जो मैं घिस घिस के कमा रहा हूँ ना तीस हज़ार रुपये उस घिसने की कीमत सिर्फ पाँच हज़ार है क्योंकि पच्चीस हज़ार तो मुझे ऐसे ही मिल सकता था मैंने उस चीज़ को क्या करा होगा मान लो मैंने उस चीज़ को बेच दिया और उस पैसे से मैंने जॉब में डोनेशन ओनेशन दे के जॉब ले ली सो so, मेरा पर्पज़ है कि दोनों में से एक ही कर सकते हैं अगर तो फिर मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि यार वो पच्चीस हज़ार वाली इनकम बहुत सही है ये तीस हज़ार वाली बेकार है जॉब क्यों क्योंकि क्यों क्यों उसमें आप फ्री हो पाँच कम कमा रहे हो लेकिन आपके पास में टाइम है उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं रीड वन बुक कैश फ्लो कॉर्डरन रिच डैड पुअर डैड आपको बहुत सारा नॉलेज आएगा कि जो फिगर ज़्यादा दिखती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती आप देख लो जॉब में महीने भर आपको सुबह से शाम तक जाना ही पड़ेगा तभी जाके वो तीस हज़ार मिलेंगे तो आप जो महीना भर मेहनत कर रहे हो उसकी कीमत तीस हज़ार नहीं है सर उसकी कीमत सिर्फ पाँच हज़ार है वही चीज़ है यहाँ एक्टिव रहने में एट पॉइंट सेवन फाइव परसेंट यहाँ पर सेवन पॉइंट सेवन वन तो एक्टिव रहने की कीमत कितनी ए वन मिला तो कुछ मजेदारी वाली बात नहीं है मार्केट बेटर था इससे तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फिफ्टीन ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि इसमें कोवेरियंस भी आपको अब निकालना आता है कोरिलेशन भी आप निकाल लोगे दो ही सिक्योरिटी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं जाएगी विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला सारा आपको अप्लाई करना है नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ऑनवर्स देखते हैं बाय बाय